जॉय प्लीज एक मिनट। हाँ क्या हुआ, आपका काम पूरा हो गया ना चंद्रकांत सर? बस गेट सील करने वाले हैं थोड़ी देर में। हाँ बस जा ही रहे हैं, अभी निकलते हैं। इस हाथी का मैं क्या करूँगा जब कंपनी माने, प्लीज निकाल लीजिए, गेट सील हो जाएगा तो उसके बाद मुश्किल होगी। वो मैं अपना जरूरी सामान है उसे निकाल लेता हूँ। मैं अभी आता हूँ। अब है अंदर अंडरवियर रखा था उसे निकाल लिया, थप्पड़ मैंने तो, मेरा पारा गरम है अभी। और जॉय सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। रामायण और महाभारत में छोटा सा ही अंतर है भाई। महाभारत में लड़ाई हुई थी अधिकार के लिए, यानी सिविल केस। अच्छा। रामायण में अपहरण का केस हुआ था, यानी कि क्रिमिनल केस। ए शिनु कैसी चल रही है तेरी लाइफ वहाँ? ये जो शारजा शहर है ना, यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मैं यहाँ 6 महीने से ज्यादा नहीं रह पाऊंगा। सच बताऊं तो मैं त्रिशूर आने के लिए बहुत तड़प रहा हूँ यार। है यहाँ आकर क्या करोगे, वहीं पर रहकर अच्छे से काम करो और साथ में अपने पापा को भी खुश रखो। अरे भाई तुम बेघर हो गए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे कोई बात नहीं। अरे वहां मत सोया करो, मत सो ना, चलो उठो यार। ठीक है। क्या बात है, लग रहा है अभी अभी नहा के आ रहे हो। बोलो क्या बोल रहे थे। अभी ना जॉय भाई एक काम करो, गाड़ी लेकर त्रिशूर में घूमने निकल जाओ, मूड फ्रेश हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ पर जो पार्क है ना वहाँ पर जरा घूम के आ जाता हूँ, सारा गुस्सा बाहर निकल जाएगा। अभी तुम फोन रखो, इस वक्त तुम बहुत बिजी होंगे। अरे कोई बात नहीं, सारे काम हो जाएंगे। पुण्याला नगरपति का यही तो नसीब था, अब कुछ नया प्लान करना होगा। मैंने पहले से कुछ प्लान बना कर रखा है, बताता हूँ बाद में, अभी फोन रखो। नहीं कोई जरूरी नहीं है। क्या मतलब? अरे जॉय भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अब मुझे रुलाई दोगे क्या तुम? हाँ फोन रखो, चलो टेक केयर, चलो काम करो। हाँ जॉय मैं कोर्ट में पैसा देकर 2 सप्ताह तक स्टे ऑर्डर रुकवा दूं क्या? ए, 2 सप्ताह में कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे जाने दो अब। ए सुन चाबी कहाँ है? मेरे पास है। मुझे चाहिए। ए, इस समय कहाँ जा रहे हो, मैं गाड़ी चलाऊं क्या? नहीं मुझे दो। अरे बॉस प्लीज आत्महत्या मत कर लेना, अगर करना हो तो हमारी तनख्वाह देने के बाद करना। इस हालत में हम लोग आपको अकेले छोड़ने वाले नहीं है। आत्महत्या, मैं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ, कभी सुना किसी जानवर ने आत्महत्या की हो? और बोलते हैं आदमी बुद्धिमान होता है, ये गाड़ी कौन चलाएगा? मैं। चलो फिर। हाँ। अगर तुम गाड़ी के मालिक का नाम बदलकर मेरे नाम पे कर दोगे तो कितना अच्छा होगा ना, कम से कम अपनी मर्जी की जगह घूमने तो जा सकते हैं कि नहीं। देखो हमारा त्रिशूर कितना बदल गया है ना बॉस, हिंदी बोलने वाले मजदूरों से पूरा का पूरा शहर भर गया है, कितने बड़े बड़े मॉल बन गए, ट्रैफिक का शोर इतना ज्यादा होता है कि पटाखों का शोर भी सुनाई नहीं देता। बदलाव तो जिंदगी का अभिन्न हिस्सा होता है, परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, पर हमारा त्रिशूर तो त्रिशूर ही रहेगा। अंडरवर्ल्ड के नेता लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। जॉय तुमको राजनीति छोड़नी नहीं चाहिए थी यार, पता है ना चुनाव के दौरान कितना पैसा बहाया जाता है। राजनीति मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है, वो वैसे लोगों के लिए ठीक है, हमारा लक्ष्य दूसरा था। अच्छा बॉस तुम्हारा लक्ष्य क्या था? बता दूंगा, हम लोग बेंगलुरु जा रहे हैं ना, वहीं दिखा दूंगा। बस तुम थोड़ी देर सब्र रखो, जैसे ही वहां पहुंचेंगे तो सब दिख जाएगा। एक बार बेंगलुरु पहुंचे तो हमारा लक्ष्य खुद ब खुद दिख जाएगा। हम लोग बेंगलुरु जा रहे हैं क्या? हाँ बेंगलुरु जा रहे हैं, मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है। एक बात याद रखना कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए असफलता बहुत जरूरी है। अभी हम सुमेश के घर जा रहे हैं और कल वहाँ से कच्चा माल उठा कर लाएंगे, अब हम नया काम शुरू करेंगे। वैसे बॉस हाथी का पेशाब हमारे किसी काम का नहीं, उसमें यूरिया होता है। अरे रे रे रे, अरे ये क्या, अरे, हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ए, भाई कितनी बार कहा तुझसे कि बड़ी बाल्टी रखा कर, ये तुम्हारे पेशाब की तरह नहीं है, हाथी एक बार में 50 लीटर तक पेशाब करता है, समझ में नहीं आता। बस मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना खा ले क्या? अब है अभी सिर्फ 12 बज रहे हैं, थोड़ी देर बाद खाना नहीं खा सकते क्या? जब से कंपनी जब्त हुई है तब से भूख मुझे कुछ ज्यादा ही लगती है, अभी खाना खाऊंगा तभी तो आपके हाथ की चाय 4 बजे पीऊंगा। अब है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझ गए कि नहीं? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम लोग बेचारे इस बेजुबान जानवर को परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान कौन कर रहा है, देख नहीं रहा हम तो सिर्फ कच्चा माल इकट्ठा कर रहे, कुछ भी बोले जा रहे हो। जो भी करना है सुमेश से अनुमति लेकर करो, तुम्हें पता है आजकल सरकारी नियम कितना कठोर हो गया। अरे भाई अब तो जानवर को छूने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, समझे, फंस जाओगे तुम लोग। अच्छा बॉस ये बताओ हम लोग हाथी से परमिशन कैसे लेंगे? एक काम करो, हाथी की सूंड में एक पेन पकड़ा दो, वो खुद साइन कर देगा। अरे जाकर माल इकट्ठा करो यार। देखिए खाना खा के कर दूं क्या? तेरी जान ले लूंगा मैं, तेरे खाने की वजह से मैं दिवालिया हो जाऊंगा, रुक जरा तू तो सुनता ही नहीं है, ये ले। अरे तुम्हारी बेटी की शादी इससे करा दूं क्या? अच्छा बॉस सुधाकरण बोला है वो काम पर तभी आएगा जब उसे मोबाइल में डेटा डलवाने के लिए पैसे मिलेंगे। देखा जाए तो एक तरह से वो सही कह रहा है,
हम खाना के बिना रह सकते हैं मगर बिना डेटा के नहीं रह सकते हैं। आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हो? अपनी जबान को लगाम दे, बके जा रहा है। 5 महीने से घर का किराया नहीं दिया और तू बकबक किया जा रहा है। आहा, जब कोई आदमी दारू पीना शुरू करता है तो वो दारूबाज बन जाता है। मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। क्या पी रहा है ये? मजे दे। मादंग लीला। किसकी लीला है? वो हाथी शास्त्र है। ये आदमी से सभी चीजें ही पढ़ सकता है। पालक आप पी? पालक है अपन। मैं हाथी के पेशाब और यूरिया के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। बस एक बार मिल जाए तो फिर मिल गया, 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 मिल गया। अरे हाँ, समझ गया, मगर किसने दिया? सुमेश के हाथी ने हमें सहमति पत्र दे दिया। सहमति पत्र? सुमेश के हाथी का सिग्नेचर। और साइड में मैंने जगह भी छुड़वा दी ताकि तुम कुछ लिख सको। एक बात कहूँ, तुम तो मेरी जान हो सच में। देखा इसका कमिटमेंट देखा, और तुम्हें मोबाइल डाटा की पड़ी थी एक दो मिला के। अबे डार्लिंग, हम जो हाथी का पेशाब लाए थे ना, उससे कहाँ छुपा कर रखा है? वो तो मैंने फ्रिज में रख दिया। अच्छा, फ्रिज में। बदबू आ रही होगी, मैं नहीं निकालूंगा। बहुत हो गया, बुढ़ा खिलाड़ी मैदान में रहकर क्या करेगा? फुटबॉल खेलने जा रहे हो? वो बंद करो अपना। तुम यहाँ से जा नहीं सकते क्या, ताकि मैं शांति के साथ सो सकूं? सुनो एक बात, इस दुनिया में पैसे मायने नहीं रखता, आइडिया रखता मायने। पल्ले पड़ा कुछ? ऊपर ने जैसा किया, एप्पल ने जैसा किया, वैसा कुछ करने की सोच रहा हूँ। समझ में आता तुझे कुछ? कुछ तो कर ही लोगे। तू कहाँ आ रहा है? अरे मुझे टॉयलेट जाना यार। तुम स्टूल पे बैठ के रिसर्च करोगे, तब तक मैं फ्रेश होके भी आ जाऊंगा। ठीक है, आ जा। अच्छा मेरे भाई, ये एप्पल तो समझ गया, उबर क्या होता है? उबर नहीं जानते हो? ये एक ऐसा टूथपेस्ट है जो विदेशी इस्तेमाल करते हैं, अब इंडिया में आने वाला है। इसका मतलब बॉस हाथी के पेशाब से मंजन बनाएंगे क्या? तब तो मैं रोज ब्रश करूंगा। आज मैं तुझे दुल्हन की तरह सजा दूंगा। हाँ। देखा, उसे नेल पॉलिश लगा के दुल्हन बना रहा है। ओए भाई, हट जाने तो तुझे कुचल देगा वो। तू अपना काम कर। अरे हाथी आज पेशाब क्यों नहीं कर रहा? मेरा तो पहले ही कोर्ट जाने का समय हो गया। तुम जाओ वकील, हम पेशाब डॉक्टर को ले जाकर दे देंगे। डडी फूल, आज हमें क्वालिटी पास करवाने के लिए इसके पेशाब के सैंपल भेजना है। वहाँ पर डॉक्टर वेरीफाई करेगा कि हाथी का असली पेशाब है या नहीं। अच्छा ये बताओ, जॉय की पत्नी मरी कैसे? डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, मर गई, तभी से हमारा बुरा समय शुरू हो गया। अच्छा डॉक्टर, ये काम भी होगा या नहीं? मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं मेरा बॉस पागल ना हो जाए। एक थप्पड़ मारूंगा खींच के। मेरा बॉस कुछ ऐसा सामान बनाने वाला जिसे देख के पूरी दुनिया दंग हो जाएगी। अरे सबसे पहले स्टेट, उसके बाद पूरा इंडिया, उसके बाद एशिया, उसके बाद पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। तुम्हारे बगल में जो है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये एशिया का है? हाँ, प्रोसेस पूरा होने देना, बीच में रोकना मत। नमस्ते जो है। क्या बात है, आप लोग यहाँ कैसे हो जाए? सब ठीक तो है ना? हाँ, जब्ती हो गई इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? आप बैठिए ना। अरे भाई जो है, शायद तुम्हें पता होगा कि जब्ती रुकवाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। ये केएफसी वाले बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं। चुनाव जीतने दो, चुन चुन के बदला लेंगे। अच्छा तो आप वोट मांगने आए हैं? है क्या कर रहा है? अपनी लुंगी समेट रहा हूँ। मेहमान आए, पानी लेकर आओ, चाय मत बनवाओ। देखो जॉय, मेरी बात सुनो, हम यहाँ सिर्फ वोट के लिए नहीं आए। इस इलेक्शन में अगर शक्ति राजशेखर हार जाता है तो उसकी सरकार गिर जाएगी, फिर हम सत्ता में आकर सालों साल तक राज करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार तुम हमें वोट के साथ सपोर्ट भी करो। और वैसे भी आप अभी फ्री ही हैं। राजनीति उनके लिए जिन्हें कोई काम धंधा नहीं होता, उन्हें देश की उन्नति की कोई फिक्र नहीं, और यही कारण है कि मैंने राजनीति छोड़ दी। मैं देश की वर्तमान हालत से बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। पता नहीं और क्या होगा, अब तो भगवान का ही भरोसा है। एक बात बताओ कि उषा भी राजनीति में है ना? हाँ है ना। तब तो वो बहुत ही कड़ी टक्कर देगी। अरे तुम्हें याद नहीं है वो कॉर्पोरेशन का चुनाव, उसे जीतते उसने पार्टी छोड़ दी, ऐसी सेल्फिश है वो। अरे अरे वकील, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हारे घर गया था। किस लिए? हर किसी को पता है कि मैं किसी भी चुनाव में किसी को भी वोट नहीं देता हूँ। अरे लेकिन वकील, वोट देना तो हर आदमी का अधिकार है ना। मेरे हिसाब से आप जैसे लोगों को नहीं, किसी जिम्मेदार आदमी को वोट देना चाहिए। मेरा कोर्ट जाने का समय हो गया है, मेरे पास 4 केस है, 4ों के आंसू निकलवाऊंगा मैं। चलता हूँ। आप पीजिए ना। हाँ। अरे ये कैसा पानी है, बहुत टेस्टी है। है ना? हाँ, ये तो बहुत एनर्जेटिक लग रहा है। वो तो है, ये हमारा नया प्रोडक्ट है ना, आज से सभी लोग पानी की जगह इसे पिया करेंगे। कमाल का प्रोडक्ट है ये। सच में? मैं चुपचाप बैठा नहीं था, रिसर्च कर रहा था। और हाँ, इसमें आइटम बहुत ही साधारण है, और वो है हाथी का पेशाब। हाथी का पेशाब? अगर मैं नहीं बताता तो घिन नहीं आती ना। हाथी का पेशाब पता है ना कितना मूल्यवान होता है? नहीं।
एक किडनी के लिए रामबाण है। सच में? चेहरे पर निखार आ जाता है। हाँ। पहले हाथी के पेशाब को पतला कर लें। हाँ। फिर उसमें नींबू का रस, हल्दी पाउडर वगैरह मिलाकर उसकी सारी दुर्गंध और अम्लीयता खत्म कर दें। इसके बाद उसमें थोड़ा फ्लेवर मिला दें बस। हाँ। कितनी आसान मेथड है ना। हाँ। पर इसे जानने के लिए मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ा। अरे भाई जॉय, अगर तुम इतने बिजी हो तो तुम्हें सपोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना वोट मुझे दे देना। जीतने पर एक काम करना। हाँ। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर समुंदर में फेंक देना। वो कैसे? नया काम होगा। वरना तो एक बात पता ही होगी कि सारे के सारे नेता बस एक ही तरह का काम करते रहते हैं। मैं तुम्हें जरूर वोट दूंगा, पर ये बताओ तुम अगले 4 सालों में भ्रष्टाचार से जितना कमाओगे उसमें से मुझे कितना हिस्सा दोगे? ये कैसा मजाक कर रहे हो जॉय? मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, पैसे की जरूरत बहुत है मुझे और इसीलिए मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। चलो यहाँ से, देख लेंगे तुझे। तैयार हूँ मैं, जब इच्छा हो तब देख लेना। अच्छा बॉस, ये बताओ आपने शेयर की बात की तो ये लोग चले क्यों गए? अरे छोड़ो ना उन्हें, हमारे प्रोडक्ट का फर्स्ट टेस्ट उन्हें अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ बॉस। पुण्यालन वोटा, कैसा नाम है? बहुत अच्छा। देखना अब हम लोग वैसा ही धमाल मचाएंगे जैसा बड़े बिजनेसमैन मचाते हैं। We will change all the rules of this market. We will change all the rules, boss. समझ गया। तुम कुछ कह रहे थे, क्या था वो? पुण्यालन वाटर, पीजिए, मजे लीजिए और प्यार कीजिए। ये टैगलाइन कैसी है जॉय भाई? एकदम कमाल है। पर हम बड़ी बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर पाएंगे क्या? अभी हम शुरुआती दौर में हैं। अरे शहर में तो बहुत सारी दुकानें होती हैं जहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट्स का प्रचार होता रहता है, हमें किसी से कंपटीशन थोड़ी करना है। अरे इतना आसान नहीं है, हम लोग उस तरह से प्रचार नहीं कर पाएंगे। इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, केस किया ना तो जेल पहुंच जाएंगे। जॉय भाई। हाँ बोल। जरा याद करो कि एक दिन तुमने मुझसे एक वादा किया क्या? कि तुम्हारे राइट में मैं ही रहूंगा, अब वो जगह मेरी नहीं है। अरे क्या बोल रहे तू? सॉरी शिनु, ए वकील बाईं तरफ आ जा, ये शिनु की जगह है। अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो पब्लिक प्लेस है ना। मेरा फोन पकड़ प्लीज, गिराना मत। मुझे लगता था कि सीनू एंटोनी बाबू की तरह होगा, मगर ये तो बहुत ठीक ना है। जॉय भाई। हैं? जॉय, तुमने सेंट इसलिए छिड़का ना क्योंकि मैं तुम्हारा वकील हूँ और तुमसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। एक बात बताओ, कभी कभी मैं तुम्हारा कोर्ट साफ नहीं करता हूँ क्या? हाँ। ओ यस। बॉस बॉस बॉस, हम अपने माल के साथ ऑफर में गुब्बारे फ्री कर दे क्या? अबे भूखों को खाना चाहिए गुब्बारे नहीं। ये तो शानदार आइडिया है, इससे बच्चे आकर्षित होंगे। सुना ना? अगर हम इसे हाथी के आकार का बना देंगे तो और बढ़िया होगा। एकदम करेक्ट बॉस। ए जॉय, पहले सामान तो तैयार कर यार, लीगल फॉर्मेलिटी करनी होगी ना, एनओसी लेनी होगी, फैक्ट्री तैयार करनी होगी, उसके लिए तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? अरे सब कुछ हो जाएगा, मैं चेन्नई से क्लियरेंस लेटर दिला दूंगा और हेल्थ डिपार्टमेंट से अगले हफ्ते एनओसी मिल जाएगी, ठीक है ना जॉय भाई? हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पर एक फैक्ट्री है, हम उसे बस लीज पर ले लेंगे। अरे सब हो जाएगा भाई। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था, केरल में कई सारी मिनरल वाटर कंपनीज हैं, तो हमें अपनी पैकिंग वगैरह कुछ अलग तरीके से करनी होगी। है वो देखो चंद्रकांत सर घूम रहे हैं। ए शिनु, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। चंद्रकांत सर, आप तो स्काई ब्लू ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। मैं बस आपसे मिलने की सोच ही रहा था। कहो, कोई नया प्लान है क्या? अगर आप फ्री हैं तो मेरा एक नया बिजनेस प्लान है, बताऊं क्या? कोई नया प्रोडक्ट है? एक हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर है। आराम से मेरे ऊपर मत गिर जाना, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। अरे कैसी फॉर्मेलिटीज, इसमें फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? आई मीन केमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह। अरे कोई बात नहीं, उसके लिए हमें किसी को फुल टाइम नौकरी पर थोड़ी रखना है। सर आप मेरी मदद करेंगे ना? सर जो भी हो, तुम्हें प्रोडक्ट की पूरी रिपोर्ट मुझे देनी होगी, ठीक है? उसके बाद देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है सर। ये लीजिए। ये कौन? लाओ दो बेटा, ये मेरी बेटी है। क्या नाम है तुम्हारा? ऐश्वर्या। अरे वाह कितना प्यारा नाम है। आज इसका बर्थडे है इसलिए हम लोग मंदिर आए हैं। आज तुम्हारा बर्थडे? ए अभय। हाँ बॉस। अरे जरा वो बलून्स लाओ ना, आज इनका हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, अगली बार हम तुम्हें हाथी जैसा बड़ा गुब्बारा देंगे। अंकल को थैंक्स बोलो। थैंक्स अंकल। हाँ वेलकम। तो अभी हम निकले, चलते हैं। हाँ चलो बेटा, कम से कम उसे हैप्पी बर्थडे तो बोल देते। मुझे पिज्जा खाना है। वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बेटा। अभी तक जितने को देखा उन सब में ये मोस्ट सक्सेसफुल मैन है, वाकई। प्लीज एक बार पापा। जिद नहीं करते बेटा। क्या तुम्हें पता है केरल का पहला मिनरल वाटर प्लांट यही था? ओ हाँ जानता हूँ। सभी यही कहते थे कि पैसा देकर कोई पानी नहीं खरीदेगा, लेकिन अब सभी खरीद रहे हैं। ओ तो है। पर मैंने ये काम छोड़ा। हाँ, वैसे भी बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन जॉय, एक बात मैं कहूँ, ये जगह बहुत ही शुभ है। ओ। सच कह रहा हूँ, यहाँ जो भी किया जाएगा वो बिजनेस
जबरदस्त सफलता हासिल करेगा। क्या बात कहते हैं, बुड्ढा बहुत बात करता है ना। बहुत ज्यादा यार। ओ बॉस, यहाँ फ्री टाइम में फुटबॉल खेलने के लिए बहुत जगह है। तुम यहाँ पर फुटबॉल खेलने आया हो? वर्मा जी, आप तो जानते हैं कि हम लोग सब एक ही समाज के हैं, है ना, इसलिए हम लोग भाई भाई हैं। ये तो है। ये बात कर पर एक बात कहूँ, अपने लोगों की वजह से ही मेरी कंपनी डूब गई। देख रहे हो, ऐसे चापलूसों की वजह से ही मेरी कंपनी का सत्यानाश हुआ। गाड़ी में जाकर बैठो, जाओ। कौन सी गाड़ी? BMW, जाकर बैठ। ये गाड़ी कब खरीदी? हमें बताया भी नहीं और गाड़ी खरीदी। देखो जो है, जो तुम करने जा रहे हो उसके लिए वैलिड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर हमें कॉर्पोरेशन से NOC मिल जाए तो फिर हमें लाइसेंस बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं कर दूंगा। जितने भी कानूनी नौकरशाही टेक्निकल इश्यूज है ना, विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी। बस ठीक है फिर। तो फिर ठीक है, मैं आपको 1 साल का अग्रीमेंट दूंगा और 12 महीने का पोस्ट डेटेड चेक दे दूंगा। उस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हाँ? अगर चेक बाउंस हुआ तो केस मैं ही संभाल लूंगा। अरे मुझे उसकी चिंता नहीं है, अगर चेक बाउंस हो जाएगा तो मैं आकर बिजली की लाइन काट दूंगा और गेट पर ताला लगा दूंगा, बस। ये भी अच्छा मजाक है, ठीक है ना। ये है हमारा नया प्रोडक्ट। है इसे ऐसे पैकेट में पैक करने की क्या जरूरत? इससे हमारा प्रोडक्ट यूनिक लगेगा। अच्छा। सारे के सारे मिनरल वाटर प्लास्टिक की बोतल में आते हैं, जरा सोचो कैसा रहेगा अगर पानी को गर्मी से बचा कर रखें तो। उससे पानी का टेस्ट भी एकदम अलग होगा। एक सवाल पूछूं, आपकी कंपनी का एकाधिकार हो गया तो फिर आपने चेन ऑफ मार्केट शुरू नहीं किया क्या? हाँ किया ना। वैसे भी ऐसे एकाधिकार के मैं खिलाफ हूँ और इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। आप मेरा काउंटर लगाएंगे? हाँ जरूर। अच्छा ये बताओ, पेपर की बोतल महंगी नहीं हो जाएगी? नहीं। कैसे? हम लोग हाथी के गोबर से पेपर बनाएंगे। हाथी के गोबर से पेपर? हाँ थॉमस भाई, केरल में कई ऐसी कंपनियां जो हाथी के गोबर से पेपर बनाती हैं। लेकिन हम लोग उसमें बर्बाद हो चुके भोजन को मिक्स करके पेपर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त यूक्रेन में ऐसा ही काम कर रहा है। इतना ही नहीं भाई साहब, हम लोग शहर में हाथी के आकार का एक बड़ा सा डस्टबिन बनाने जा रहे हैं। इससे हमारे प्रोडक्ट का प्रचार भी होगा और कॉर्पोरेशन की मदद भी होगी, है कि नहीं? अच्छा आइडिया, बोलो बोलो। तुम्हारे हाथ में क्या है? हम लोग सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के बारे में भी तो सोच रहे ना बॉस। बच्चों को इसे पीने में मजा आएगा। अच्छा आइडिया है ना बॉस। आपके पास शुमार दवा है ना? है ना, मैं ढूंढ के लाता हूँ। बेवकूफ। अच्छा ये बताओ, तुम सप्लाई कब से शुरू करने वाले हो? अगले महीने से सप्लाई शुरू हो जाएगी। आपकी सभी 85 दुकानों में रेगुलर सप्लाई शुरू हो जाएगी। हम लोग आसपास के सुपरमार्केट्स में भी बात कर लेंगे, इससे हमारा खर्चा कम हो जाएगा और इसमें बहुत फायदा भी है। छोटी बोतल का दाम 5 रुपया, बड़ी बोतल का दाम 10 रुपया और मार्केट के हिसाब से कमीशन भी होगा। वो सब तो ठीक है। सभी दुकानों में सामान सप्लाई करने का तुम्हारा प्लान क्या है? और वैसे भी इतना काम तुम्हारी इस गाड़ी से होने वाला नहीं है। अरे हम लोग चीप एंड बेस्ट केयर सिटी से पार्सल सर्विस करेंगे। अच्छा और क्या, जरा डिस्प्ले पर हमारे प्रोडक्ट का नाम भी लिखवा देना। और क्या, ताकि उस पर है ना आग का लेवल लग जाए। आग का लेवल? आग का लेवल क्या होता है, पूछकर मुझे बुद्धू मत बनाओ। ये सब फेंक कर यहाँ पर मेरा मिनरल वाटर लगा देना। हाँ, हाँ, ताकि लोगों को हमारा सामान दिख जाए। मिल गई दवा, मिल गई बॉस। छी, पता नहीं इसकी माँ ने इसे क्या खाकर जन्म दिया। किसी दिन मेरे हाथों इसका खून न हो जाए। ABCDEFG। जाके भाई सब हो गया ना? हो तो गया है। हाँ। कैसा लग रहा है बता? ये नीचे क्या लिखा है जाके भाई? फूड की स्पेलिंग लिखने में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। बाकी सब ठीक है ना? वाह क्या अंग्रेजी है। ये बताओ किससे सीखी है? ये हमारा वकील कहाँ से बोल रहा है? बस वकील इसके अंदर है। ए, वकील अंदर साफ करने की क्या जरूरत है? अरे कोई बात नहीं यार, जिम नहीं जाता ना तो यही एक्सरसाइज हो गई। व्यायाम व्यायाम। हाँ। वो क्या है ना कि प्लास्टिक वेस्ट कहाँ डालना और फूड वेस्ट कहाँ डालना कैसे पता चलेगा? लोग तो रोड पे फेंक देते हैं ना। ऐसा होता है क्योंकि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अगर हम सिस्टम बनाएंगे तो लोग उसे जरूर फॉलो करेंगे। ऐसा करके हम लोग क्या अपने कॉर्पोरेशन की मदद नहीं कर रहे हैं? बोलो। हमारा बॉस तो जीनियस है। मेरी तारीफ मत करो जैके भाई, तो मैं अंग्रेजी की ट्यूशन लगवा दूंगा। ये लो बिजली का बिल। यहाँ कोई नहीं था तो वो लोग हमें लेकर चले गए। ये क्या बिल इतना बड़ा? जैके भाई अगर ऐसा ही रहा ना तो बिजली भी हमें ही बनानी पड़ेगी। हम लोग सोलर पैनल लगाएंगे। अच्छा निर्णय है। ये लो नाश्ता। मैं जा रही हूँ, बिंदु घर आने वाली है। शांत आंटी, हम लोग वकील के लिए बिंदु को प्रपोज करें क्या? आपको तो पता ही है कि इन दोनों का तलाक हो चुका है। कैसा रहेगा वकील? चाहे जो भी हो जाए मैं शादी नहीं करूँगा। आप उससे कह देना कि वो मेरा इंतजार ना करे। वो भला इंतजार क्यों करेगी? शांत आंटी। हाँ? अंकल से कह देना मैं उनसे मिलने आने वाला हूँ, फिनांस के लिए उनसे कुछ सुझाव लेना है। हाँ, हाँ, ठीक है। अभय कहाँ है? हम शाम तक इस हाथी को शहर में लगा दें क्या? ए अभय। मैं हाथी के पेट में हूँ बॉस। तुम वहाँ हाथी के पेट में क्या कर रहे थे? मैं यहाँ एक नंबर करने के लिए आया था बस, वो बहुत जोर से लगी थी तो। अबे गधे, ये बाथरूम करने की जगह है क्या? तूने सचमुच में कर दिया क्या? नहीं, मैंने सोचा कचरा डालने के लिए ही बनाया। हाँ तो एक बात पूछूं क्या बॉस? हाथी के पेशाब की तरह इंसानों के पेशाब का भी यूज कर सकते हैं? वो क्यों? कच्चा माल मिलना आसान हो जाएगा। मैं दिन भर ढेर सारा पेशाब करता हूँ।
इंसान के पेशाब में और हाथी के पेशाब में बहुत अंतर होता है। कैसे? हाथी का हेल्दी होता है और अगर कोई चोट लगी तो वो बहुत ही जल्दी उस चोट को अच्छा कर देता है। उसके अलावा भी फायदेमंद होता है अस्थमा, पेट दर्द और सर दर्द में। इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल भी पैदा कर सकते हैं उससे, पता है तुझे? पेट्रोल? ओह, मैं भी जरा पेशाब जमा करता हूँ। तुमने इधर तो नहीं किया ना? हाथी के पेशाब से पेट्रोल बन सकता है? दुनिया कितनी एडवांस हो गई है। पंडालन कंपनी की ये पहली बोतल है। द प्रोडक्ट इज वेरी इनोवेटिव। गिलास में डाल कर देता हूँ। मेरा जन्म यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, कहीं और पैदा हुआ होता तो अब तक करोड़पति बन गया होता। हमारी कंपनी के पानी का पहला गिलास आप पी रहे हैं और इस तरह आप इतिहास में अमर हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बदलाव ला देगा। अच्छा जी, एक बात बताइए ना कि आप दुनिया में बदलाव लाने के लिए मुझे 20 लाख का लोन देंगे ना? ये इतना आसान नहीं है जॉय, खासकर तब जब तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। सर, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो क्या हुआ, मैं खुद ही गिरवी हूँ? आप ना मत कहिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मेरी लाइफ की नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तो यहाँ मेरे सामने बैठी है सर, आपके रूप में। मुझे चेक कर लेने दो, तुम जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही मुद्रा लोन की एक स्कीम उपलब्ध है हमारे पास, उसके लिए हमें ट्राई करना होगा। सर ट्राई कीजिए ना, मेरी हालत वाकई बहुत ज्यादा खराब है। ये प्रोडक्ट मेरे 3 सालों की मेहनत का फल है सर, अगर ये फिर से जब्त हो गई तो मैं और कड़ी रिसर्च करूंगा सर। अगरबत्ती में हुए नुकसान की भरपाई मैं पुण्यालन वाटर से करूंगा सर। मुझे तुम्हारा यही एटीट्यूड बहुत पसंद है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे सर, अगर आपने हाँ कह दी तो मेरा काम तो हो ही जाएगा, आपको देखकर मुझे बहुत राहत मिल रही है सर। सर आपको हाँ सर, मुझे भी यहाँ कुछ काम मिल सकता है क्या? एसी में बैठा रहूंगा। सबको पानी दिया? मुँह क्या देख रहे हो, जाओ स्टाफ को पानी दो। अरे क्या बताऊँ सर, बड़ी आंटी एक पैकेट घर ले जाने के लिए मांग रही है, दे दूँ क्या? तो दे दो ना, सबको दे दो। सारा पानी बैंक में देने के लिए तो लाए हैं, खुद के लिए थोड़ी लाए हैं ना सर। अरे क्या बात है सर, ने देखो थम्स अप कर दिया। सर सर आप तो मेरी जान है सर, सच में। इट्स ओके, इट्स ओके। क्या क्या कर रहा तू, जो करता हूँ वो मत करो, जो कहता हूँ वो करो, जाओ यहाँ से। सॉरी सर, निकलो यहाँ से। सर को किस कर रहा था, अगर सर सफोकेशन से मर जाते तो। मैं हमेशा से मानकर चलता हूँ कि आप मेरे साथ रहते हैं, इसलिए मेरे साथ विश्वासघात बिल्कुल मत करना प्रभु। आशीर्वाद दे दीजिए, चलता हूँ। मुझे भी आशीर्वाद देना बेटे। आ, कौन है? बॉस इधर है। हाँ, ये सांता क्लॉज की तरह कौन है? लॉटरी लोगे? ओ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एक ले लो, नसीब होगा तो जरूर लगेगी। तुम्हें बुरा यकीन है? हाँ। तो तुम ही ले लो ना, जीत जाओ तो मुझे याद करना। 3 करोड़ की है? 3 करोड़ गिनते गिनते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अच्छा बॉस, इस जगह पे इतनी शांति मिलती है जो कहीं नहीं मिलती। लेकिन क्रूज पर जीसस को देख के बहुत दुख होता है यार। हाँ। जीसस का मुस्कुराता हुआ चेहरा क्यों नहीं लगा सकते हैं? हाँ। सही बोले बॉस, प्रभु हमेशा खुश दिखने चाहिए। तो लोग समझते क्यों नहीं? मैंने बड़ी स्टाइल से पुजारी को कन्विंस कर लिया। पता था तुम कर लोगे, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम न कर सको। और वैसे भी पुजारी जो है ना वो वकील से काफी डरते हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि पुण्यालन वाटर के नाम से अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उससे चर्च को क्या दिक्कत होगी? यहाँ पुण्यालन का बोर्ड लगा दे। किसी को बोलना नहीं तो मार खाएगा। इधर इधर इधर, एक काम कर, ये गाड़ी ले तू, पैक्ड सामान उठा और दुकानों में पहुँचा दे, ठीक है? ठीक है। फिर वहाँ से शहर में जा और वहाँ से कच्चा माल लेकर घर आ जा। इसके बाद हाथी का गोबर और पेशाब लाद कर बिजली ऑफिस जाकर बिल भर देना और फिर सीधा फैक्ट्री आ जा। अच्छा बॉस, पैकिंग करने के बाद पुजारी को बिजली का झटका देना है क्या? इस तरह नालायक हो जैसी बात मत कर वरना एक धुआं मिला। जा जो कहा है वो कर जा। बॉस इतने गुस्से में मुझसे बात मत करो, मुझे दुख होता है। मैं तुझे ऊपर से नीचे तक काला दिखाई दे रहा हूँ क्या भाई? मुझे बस डांटो मत बॉस। तो फिर मैंने जो कहा वो करना। जॉय, ये कौन है? थॉमस भाई, मैं इससे आपके बारे में बात कर रहा हूँ। आप चर्च क्यों आए, प्रार्थना करने के लिए? अरे नहीं, मैं तो बाहुबली को देखने आया हूँ। बाहुबली? सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सब बढ़िया चल रहा है, 6 महीने में हमारी हालत अच्छी हो जाएगी। हाँ, ये हमारा वकील है, हमारा कैसे ही देख रहा है। पीर तनिष। हाँ, हाँ, मिलकर खुशी हुई। सुनो, हमें और पब्लिसिटी की जरूरत है, अभी बिक्री कम है। लोकल चैनल वालों ने हमारी पब्लिसिटी की है, हमारा प्रोडक्ट बहुत यूनिक है। इससे हमारा काम नहीं होने वाला है, मार्केटिंग के लिए तुम्हें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कम से कम 10 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे ताकि तुम्हारा सामान लोगों की नजर में आ जाए। हाँ, 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 देखिए अब तो हमारा सामान है ना वो सुपरमार्केट में भी जाने लगा। अगर आप भी हमारा सामान थोड़ा ऊपर रखेंगे ना तो लोगों को एकदम सामने दिखेगा वो आई लेवल। हाँ,
आप देख रहे हैं ना इस बिजनेस में कितना कंपटीशन हो गया है और आप हमारी ताकत हैं ताकत। अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। हाँ, इतना ही बहुत है। और मैंने सुना कि कोल्लम और त्रिवेंद्रम में तुम्हारा माल नहीं पहुंचा। है वकील, कल हमने वहाँ के लिए माल पार्सल किया था ना, क्या हुआ? मैंने ही किया था। मैं जाकर देखता हूँ। थॉमस भाई, अगर आप कुछ एडवांस दे देते तो माल का प्रचार भी कर सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं। हाँ जो है, तुम्हारा प्रोडक्ट जितना बिकेगा और मुझे जितना मुनाफा होगा, हाँ, उसी हिसाब से मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हाँ, उसके अलावा मुझसे एक रुपए की भी उम्मीद मत करना, वो भी कैश में। हमारे देश में रुपयों की क्या हालत है तुम देख रहे हो ना। हाँ ठीक है, चलता हूँ मैं, काफी लेट हो गया। सच में बहुत अच्छे इंसान है, आगे जाकर अगर ये कार टकरा जाए तो कितना अच्छा रहे। ही इज अ बॉन्ड क्रिमिनल। अच्छा, अरे क्या सिटीसी, पता नहीं मेरे फोन को क्या हो गया। अबे जरा मुझे फोन तो कर। हेलो, बोलिए बॉस। गधे, मेरे कान में नहीं, इस फोन पे कर। समझता नहीं है। हमने क्या सीटीसी से जो माल भेजा था उसका क्या हुआ? अरे टेंशन मत लो, तुम्हारा वकील पीर तनिष हमेशा तैयार है। इसी बात का तो मुझे डर है। तुम्हारा पार्सल जिस गाड़ी से जाने वाला था वो रास्ते में खराब हो गई। अब ये क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। ले जाओ, अपना हाथ साफ नहीं कर सकते। आईपीसी के नियम करो अपना आईपीसी। सुनो, क्या इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? यहाँ से जनरल लोगों का पार्सल नहीं भेजते। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पिछली बार भी सामान गायब हो गया था, फिर भी मैंने कंप्लेंट नहीं की थी। ऐसा कब तक होता रहेगा? तुम्हें पता मेरा कितना नुकसान हुआ है? हमारा कोई पार्सल नहीं जाएगा, तुम अपना पार्सल ले जाओ। कानूनन जॉय को यहाँ से माल भेजने का पूरा अधिकार है। आप लोगों को जब पावर मिल जाता है ना तो आपका दिमाग पूरी तरह से फिर जाता है। आम लोगों की समस्या को समझो जरा। आम आदमी को बैठने के लिए आए, कुर्सी तक नहीं लगाई। जाओ यहाँ से, ये मेरा ऑफिस है। जॉय को कंप्लेंट करूंगा। हमारी फेसबुक पे डालूंगा, बस एक बार इनका वीडियो बन जाए। डॉक्टर को बुलाओ। देखना एक दिन मैं अपनी गाड़ी को हाथी के पेशाब से चला के दिखाऊंगा। बॉस, हाँ क्या पुलिस आई है? दौड़ क्यों रहा है? दौड़ू नहीं, पुलिस आई है तो। ये बात है क्या? ए जरा इधर, हाँ। ये ले जाओ और माल इनमें भर दो। हाँ। ये बताने आए होंगे कि आधार कार्ड को पुलिस स्टेशन से लिंक करवाना है। यहाँ जॉय कौन है? जॉय ठाकुरकरण। मैं हूँ सर, क्या बात है? तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस लिए? KSRTC की तरफ से तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। अब मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद हमें आके मारने लगे। हाँ, जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में चलकर कहो। अरे बॉस क्या बताऊँ, हाथी के पेशाब से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही मैं है। अभी जरा पुलिस स्टेशन जा। पुलिस स्टेशन क्यों? हाँ। ये बॉस को जेल में डालने के लिए ले जा रहे हैं। ये मर गया क्या भाई? अब है, उठो जाओ, इसे अंदर लेकर जाओ। जाओ, लगता है समय फिर बदलने वाला है। गाड़ी में बैठो, चलो वकील को वहाँ थाने भेज देना। होश में आया तो खाने के लिए कुछ दे देना। ये कैसी सीट है यार, बिना एसी के इसमें कैसे बैठ पाऊंगा? बैठो चुपचाप। अगर आपको कोई केस लड़ना हो तो मुझसे संपर्क कीजिएगा। मैंने कहा था ना अपने गुस्से पर काबू रखा करो, उसी की वजह से ये हुआ। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अन्याय सहन कर ही नहीं सकता। यार ये तो शुक्र है कि उन्होंने सिर्फ तुम्हें गिरफ्तार किया। हाँ। और मैंने तुम्हें बेल करके बाहर निकाल लिया। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें बेल मिल गई। सिर्फ तोड़ फोड़ का ही केस नहीं है। हाँ? तुम पर उनकी बस जलाने का भी केस है। ये मैंने कब किया? अरे अभी तो इससे भी बड़ा इशू है। इससे भी बड़ा? उन्होंने आपको बहुत ज्यादा मारा क्या बॉस? नहीं, गले लगा कर चुमन लिया। अच्छा? तू जरा इधर और बता मामला क्या है। कॉर्पोरेशन की तरफ से केस किया गया है। उनका कहना है कि उनसे बिना अनुमति लिए तुमने कचरा अपनी गाड़ी में रख लिया। ऐसा करके हम कॉर्पोरेशन की मदद ही कर रहे हैं ना वकील। छोड़ो, एक नई याचिका दायर हुई है जिसमें कहा है कि पोनियालैंड वाटर के नाम से प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा सकता। हमने ये मामला चर्च में फादर से मिलकर सेटल किया था ना, फिर क्या हुआ? समस्या चर्च और फादर की नहीं है। हा? इसके पीछे कुछ पाखंडी लोगों का बहुत तगड़ा हाथ है भैया। याचिका उन्होंने दायर की। मैं उन सब लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? एक सिस्टम है जहां आम आदमी न्याय पे भरोसा कर सकता है, जुडिशियली। हम कोर्ट में जाएंगे। दो जोड़ी चप्पलों की माला पहनकर कोर्ट के चक्कर लगाते रहो। साइलेंस साइलेंस। हाँ जॉय, कहाँ थे? काफी दिनों के बाद आए, सब ठीक तो है? नहीं, ठीक नहीं है। तुम्हें डेंगू हो गया क्या? नहीं, मुझे न्याय चाहिए योर ऑनर। हाँ देखता हूँ क्या हो सकता है। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे केस हैं योर ऑनर। मेरे क्लाइंट पर जो भी आरोप लगाए गए हैं ना। एक मिनट जरा, मैं पहले पढ़ तो लूं। ये तो मुझे बोलने भी नहीं दे रहे, जो रट के आया हूं सब भूल जाऊंगा। कुछ नहीं। हाँ, फर्स्ट केस, ये अपने प्रोडक्ट का नाम पुनियालन वाटर रखते हैं तो उससे आपको क्या दिक्कत है? सर ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ऐसा बाइबल में लिखा है क्या? जान तो कुछ है नहीं योर ऑनर। प्लीज सी ऑल दी साइंटिफिक एविडेंसेस टू प्रूव दी ऑथेंटिसिटी ऑफ माय क्लाइंट्स प्रोडक्ट। हिंदी में लिखा है ना? ओह यस, दिखाओ मुझे। थैंक यू। हाथी के पेशाब में कितने औषधि गुण है तो साइंस बताता है ना। हाँ। और मार्केट में कितने ऐसे सामान मिलते हैं जो अनहेल्दी होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अरे इस प्रोडक्ट से तो उम्र में बढ़ोतरी होती है।
गैस के लिए तो इससे अच्छी दवा कहीं भी मिलती ही नहीं है। इसे लो और गैस खत्म। वाकई? हाँ, मेरा ड्राइवर इसे लेता है। आप ले रहे हैं ना, आप देखिए गैस कैसे निकलती है। बुरा तो नहीं है। हाँ, और आप देखिए योनर, इस पर सरकार की मोहर भी लगी है, दो हाथी यानी समृद्धि के प्रतीक। और ये लोग हाथी के उसी पेशाब की कंप्लेन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने धर्म की चिंता है लेकिन हाथी की नहीं। आप चाहे जो भी कहें, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तुम अपने धर्म के ठेकेदार हो क्या? भागो यहाँ से। केस डिसमिस्ड, नेक्स्ट केस। कॉर्पोरेशन की अनुमति के बिना जॉय ठाकुरकरण ने कचरा उठाकर कंपनी में यूज किया और उससे जो मुनाफा हुआ उसमें से जॉय ने कॉर्पोरेशन को कुछ नहीं दिया। यही कारण है कि हमने जनता की तरफ से ये याचिका दायर की है योर ऑनर। इसने अपने व्यक्तिगत कारण से ही केस मुझ पर किया योर ऑनर। ये किसी कानून वानून को नहीं मानता, इसने मेरे साथ मारपीट की। मुझे न्याय चाहिए योर ऑनर। सबके सब बकवास है योर ऑनर। जॉय ठाकुरकरण ने केएसआरटीसी ऑफिस में जाकर वहां पर तोड़फोड़ की। इससे ये साबित होता है कि जॉय जनता का विरोधी है, इसलिए लोग इनसे नाराज हैं। इनकी हरकतों से परेशान होकर लोगों ने इन पर केस किया। कोर्ट से अनुरोध है कि इन्हें सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किस बात का ऑब्जेक्शन? उसने जो कहा सही कहा ना है? लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ वो भी तो सही है। केएसआरटीसी ऑफिस में तोड़फोड़ करना और कॉर्पोरेशन से बिना अनुमति के कचरा उठाना दोनों गलत बात है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया योर ऑनर। मुंह बंद रखो, मुझे जजमेंट पढ़ने दो। इसीलिए 1,000 रुपए प्रतिदिन प्रति डब्बा के हिसाब से जॉय ठाकुरकरण कॉर्पोरेशन को पिछले 3 महीने का हर्जाना देगा। केएसआरटीसी ऑफिस में तोड़फोड़ करने के जुर्म में हर्जाने के रूप में 3,00,000 रुपया 3,00,000 रुपया जॉय ठाकुरकरण से अवश्य वसूल किया जाए। अगर जॉय ठाकुरकरण ये हर्जाना नहीं भरते हैं तो फिर उसके एवज में जॉय को 3 महीने की सजा भुगतनी होगी। अब तो खुश हो ना? ये कैसा न्याय है योर ऑनर? मुंह बंद रखो, ये मेरा कोर्ट है, मुझसे बहस करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। नेक्स्ट केस। जॉय भाई, 1,000 रुपया पर डे के हिसाब से ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना? हमने 2 महीने पहले काम शुरू किया तो उस हिसाब से करीब 6,00,000 रुपया होता है। अब केएसआरटीसी का हर्जाना भी अगर जोड़ लो तो 10,00,000 रुपया हो जाएगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा शेनू। जॉय भाई, मैं किसी भी तरह यहाँ से 1,00,000 रुपए का प्रबंध कर दूंगा। ए, उसके कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी 1,00,000 रुपए से क्या होगा। तो फिर हम क्या करें? एक उपाय है, मैं 3 महीने के लिए जेल चला जाऊंगा, वहाँ एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। काय का अनुभव? अद्भुत शांति। अरे क्या जॉय भाई, जरा नजरें घुमा कर तो देखो, त्रिशूर अपना शहर है, वहाँ की हर जगह पर सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। जरा दिमाग पर जोर तो डाल के देख लो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। ग्रॉस इनजस्टिस, हमारे साथ सिस्टम ने ऐसा ही किया है ना। हमें विरोध करने की जरूरत है जिससे लोगों को हमारी दिक्कतों के बारे में पता चले। हाँ ठीक है जॉय भाई, जी भर के विरोध करो। ठीक है, मैं तुम्हें सुबह फोन करता हूँ। ठीक है, बाय। तो मैं बहुत मिस करता हूं जान, अब तुम्हें बताओ ना मैं क्या करूं। भाई ये तो परसों की खिचड़ी है ना, कहीं तुम बीमार हो गए तो। चुप कर, तू बीमार पड़ सकता है लेकिन मैं नहीं, समझा ना? विदेशों में ये सब चीज पैकेट में बिकती है। बॉस ने तुम्हें समझाया तो याद है ना, किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे बस अंदर घुसा के यहीं रोक ले। ठीक है, इस काले कोट को भी अभी आना था क्या? वो वकील कैसे आए? तुम मुझे सुबह सुबह क्यों रख रहे हो? मेरे नाम में जो पीर लगा ना उसका मतलब जानते हो तुम? क्या मतलब होता है? आगे चलने वाला। आगे तो नेता चलता है। जॉय कहाँ है? तुम्हें नहीं पता? कोर्ट से निकलने के बाद वो अभी तक वापस नहीं आए, बोले थे कि जरा शांति से जाके सोचता हूँ। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, उसने खुद मुझे मैसेज करके बोला कि आज मैं कोर्ट में ना जाऊँ, लेकिन तब से फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आज हमें रिट फाइल करनी है। कहाँ चला गया वो? अरे भाई जल्दी चलो ना।
अरे तुझे जाना तो जा, मैं दूसरे ऑटो से चले जाऊंगा। ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। तो आल तो के बकवास करता है। चलो जाओ। अरे कहाँ चला गया वो? वो तो कल शाम को ही कहीं चले गए, कह रहे थे आज फैक्ट्री मत खोलना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। भाई अभय, मैंने बॉस को पहले इतना कभी दुखी नहीं देखा। तुम लोग ऐसे मुझे मत डराओ, वकील पता नहीं वो कहाँ चला गया। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं अपने बॉस से अभी मिलना चाहता हूँ। मैं क्या करूं वकील बताओ, अगर मेरे बॉस को कुछ हो गया तो मेरे 6 महीने की पगार डूब जाएगी। मेरा भी तो पैसा डूब जाएगा। हाँ बोलिए, कहाँ जाना है बताइए। पालकड़। पालकड़। अरे मैडम खुला पैसा दो, ये लीजिए। चलिए बोलिए, टिकट टिकट इधर किसे चाहिए। ओ तुम कहाँ जाना है, तुम ही आए थे ना उस दिन ऑफिस में कंप्लेंट करने के लिए। कोर्ट ने फाइन देने के लिए कहा, फिर भी तुम्हारा मन नहीं माना। कहाँ का टिकट दूं? अरे तुम्हीं से पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है, कहाँ का टिकट दूं? जब उतरूंगा तो बता दूंगा। क्या कह रहे हो? तुम्हारी पार्सल सर्विस के चलते मेरा बहुत नुकसान हुआ है, जब तक पैसा रिकवर नहीं करूंगा तुम्हारी बस में फ्री सफर करूंगा। ए सुनो, चुपचाप पैसा निकाल कर टिकट ले लो, तमाशा मत करो। मैं तमाशा कर रहा हूँ? वो तो तुम लोग कर रहे हो, हर जाना तो तुम लोगों को देना चाहिए था। अरे आप सब लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? हम लोग नहीं बोलते इसीलिए सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है। कुछ बोलो भाई बोलो। सब ऐसे सोते रहेंगे। क्या हो गया भाई? अरे भास्कर गाड़ी पुलिस स्टेशन में लेकर चलो, फिर बात करते हैं। चलो पुलिस स्टेशन, वहीं देखेंगे। अरे इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो भाई? पैसे निकालो और टिकट ले लो, मामला खत्म। बस पुलिस स्टेशन में चली गई ना तो तुम फाइन भी दोगे और कोर्ट के चक्कर भी लगाओगे। चुप करो और मुझे कानून मन सिखाओ। कंडक्टर बिना टिकट के बस में यात्रा करने पर क्या होता है ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। सोच लो, तुम्हें फाइन भरना पड़ जाएगा। दे दूंगा। ए, बस थाने लेकर चलो, एक केस और सही। घुमा लो गाड़ी पुलिस स्टेशन। भाई अब तो उठ जाओ। अब उठकर भी क्या करोगे? योर ऑनर। यस आई एम द ऑनर, टेल मी। ये सिर्फ एक केस नहीं है जहाँ एक नागरिक बस में बिना टिकट के यात्रा कर रहा है, बल्कि ये केस गलत सिस्टम के खिलाफ एक अकेले आदमी की लड़ाई है। बकवास मत करो, तुम लोग अदालत का समय बर्बाद कर रहे हो। 100 रुपया फाइन देकर मामला सेटल करो, नेक्स्ट केस। फाइन देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो फिर ये मेरा आंदोलन है, एक नागरिक का आंदोलन, जिसके साथ सरकार अदालत और कॉर्पोरेशन वालों ने एक साथ मिलकर अन्याय किया है। मुझे सजा दीजिए योर ऑनर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जॉय, फाइन नहीं दोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, 6-8 दिनों की जेल हो जाएगी तुम्हें। हाँ समझ गया, 50,000 करोड़ का घपला करने वाले आजाद घूम रहे हैं, 50 रुपए का टिकट नहीं खरीदा तो जेल में डाल दो, यही कानून है ना? कोर्ट में हाथी आ गया क्या? नहीं ये मेरी रिंगटोन है। क्या बात है शिनू? जॉय भाई मैंने शोरमा बनाना सीख लिया है। शिनू फोन रख दो, या मैं गिरफ्तार होकर जेल जाने वाला हूँ और तुझे शोरमा बनाने का। सॉरी योर ऑनर। हो गया ना? हो गया। जेल जाने का मन बना लिया तुमने जॉय? हाँ। फैसले के लिए हथौड़ा बजा रहा हूँ, बजा दूँ? हाँ बजाइए, जरूर बजाइए। अब है अपने बॉस के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? या तू अपना मुंह बंद रखेगा भाई, मेरे बॉस को जेल लेके मत जा। ए, पीछे हटो। ये पहली बार जेल जा रहा है। सर सर सर, आपने बस का टिकट नहीं लिया तो आप जनता को क्या बताना चाहते हैं ये बताइए। सर बताइए क्या बात है? क्या इस देश में ऐसा कोई सिस्टम है जो आम आदमी को सुरक्षा और समर्थन प्रदान कर सके? आम आदमी के लिए बोलने वाला कौन है? कोई भी नहीं इस देश में, और मेरा ये आंदोलन उसी के लिए है। अब समझ में आया, अपने बॉस के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? नहीं समझे बुद्धू? नहीं। कल तक हमारे बॉस जीरो थे, आज से क्या हो गए पता है? क्या हो गए? हीरो। अब आज से वो रोज न्यूज में आने वाले हैं। लेकिन उससे हमें क्या फायदा होगा? देख ना। उसे फायदा हो या ना हो, लेकिन आज की न्यूज का सुपरस्टार मैं बनने जा रहा हूँ, देखते रहना। अच्छा, हमारा निर्दोष बॉस जेल जा रहा है और तुम लोग पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहे हो? देखो महात्मा गांधी भी जेल गए थे ना, तब बहुत बड़ा इशू हुआ था, ठीक वैसे ही इस केस में भी होने वाला है, अंडरस्टैंड? चिड़िया मर क्यों नहीं रही? गुस्सैल चिड़िया को छोड़कर तू ब्लूवेल खेलना क्यों नहीं शुरू करता? बॉस आ गए। मेरे प्यारे बॉस, उन्होंने आपको कुछ किया तो नहीं ना? आप बहुत दुखी दिख रहे हैं, पहले आप बिल्कुल ताजा गोबर की तरह दिखते थे, मगर अब सूखे गोबर की तरह लग रहे हैं। अरे तू वो बंद करना, हम लोगों ने जैसा सोचा था वैसा प्लान हो नहीं पाया, मीडिया वालों का ध्यान हम पर आया नहीं, सिर्फ कुछ लोकल चैनल्स ने कॉन्टेक्ट किया, बिना मीडिया अटेंशन के हमारा केस वीक हो जाएगा। एक आम आदमी को मीडिया कभी भी कवर नहीं करेगा। अब जो भी हो वकील, बॉस 8 दिनों बाद बाहर आए हैं,
कॉर्पोरेशन केस में बॉस को 3 महीने की सजा मिली, कुछ होगा? ए, दोनों केस बहुत अलग है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? कोर्ट में हर्जाना देने का जो समय दिया ना, वो तो बहुत पहले ही निकल गया। दोबारा गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत का फॉर्म भर दिया। फिर भी मुझे जेल जाना ही होगा, इसलिए क्यों ना मैं उनसे जरा बदला ले लूं? बेवकूफी मत करो जॉय, समझो इस केस में ज्यादा दम नहीं है। रोडवेज वालों से पंगा लेने से क्या फायदा, वो लोग पहले गुस्से में, हमें नुकसान हो सकता है। बात समझो, अभी भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। कौन कहता है कुछ नहीं हुआ? एक कहावत है, अगर बार बार दरवाजा पीटने पर भी दरवाजा नहीं खुलता है तो पता है ना क्या करते हैं? खिड़की से झांक के देखते हैं कि अंदर कौन है। अरे बुद्धू, वो दरवाजा छोड़कर दूसरा दरवाजा पीटना शुरू करते हैं। दूसरा दरवाजा नहीं हो तो बार बार पीटने पर भी दरवाजा नहीं खुलता है तो उसे तोड़कर अंदर चले जाते हैं। इतना भी नहीं समझते? ये एक और केस करवाएगा। मेरा नाम जॉय है, जॉय थोकलकरण, त्रिशूर का एक छोटा सा बिजनेसमैन, और ये है मेरा प्रोडक्ट जिसका नाम है पुण्यालन वाटर। इसका नाम बहुत ही यूनिक है। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं त्रिशूर के कचरे से सामान बनाता था, जो काम कॉर्पोरेशन नहीं करता था वो मैं करता था, और उन्होंने मुझ पर ही केस कर दिया। लाखों रुपए का फाइन लगाया मुझ पर। हमारे शहर के गरीब लोगों की हालत ये हो गई है, क्या गरीबों की मदद करने वाली कोई सरकार नहीं है? एक विधायक अगर पेशाब करने भी जाता है तो उसके साथ फोर्स लगी रहती है ताकि उन तक कोई न पहुंच पाए। हटो यहाँ से, मुझे किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। केस आरटीसी वालों ने मुझे झूठे केस में फंसा दिया कि उनके ऑफिस में मैंने तोड़फोड़ की, और वो किस लिए? क्योंकि मैं उनके पार्सल की शिकायत करने गया था। कहाँ है वो अथॉरिटी जो इसके लिए जिम्मेदार है? कौन है वो जो हम गरीब आदमी को न्याय दिला सकता है? अगर यही सब कुछ है तो मैं चुनाव में किसी को वोट क्यों दूं? वोट देने से हमें कुछ मिलता है क्या? मुख्यमंत्री एक साल से इस राज्य की जनता को लूट रहे हैं ताकि वो अगला चुनाव जीतकर सत्ता में आ सके, और सारे मीडिया को रिश्वत देकर वो अपने सारे काले कारनामों को अच्छाई की स्याही से पुतवा देता है। वो अपराधी है और उसे गोली मार देनी चाहिए, और युवा लोगों को सत्ता में आने का मौका दिया जाना चाहिए, तब जाकर हमारा देश उन्नति करेगा। देश की उन्नति के लिए युवाओं को आगे आना ही होगा। मैं तुम्हारे लिए यहीं पर घर बनवा दूं क्या जॉय, तमाशा दिखाने के लिए? यह हमेशा ऐसा ही करता है योर ऑनर। मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर इसने सरकार का इंसल्ट किया है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है योर ऑनर, अपनी सारी हदों को पार करते हुए जॉय थाकुलकरण ने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी भी दी है। इसीलिए जनता याचिका दायर करके ये मांग कर रही है कि जॉय थाकुलकरण को सजा मिलनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री को मजाक में मारने की धमकी दे रहा था, है ना जॉय? नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस था। अगर वो मुझे मिल जाए तो जान ले लो, और इस कोर्ट पर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जॉय, ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहे हो तुम? ऐसी बात करने की क्या सजा है तुम्हें पता है ना? आजकल इंटरनेट का नियम बहुत कठोर हो गया है। कोई समाधान है क्या? मैं सजा के लिए तैयार हूँ। सीएम को धमकी देने के आरोप में आप मुझे सजा दीजिए, आम आदमी के लिए भी कुछ कीजिए। शांति से बात करो जॉय, नहीं तो केस यही खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा ये केस? क्या हम जो खाना खाते उसे खाने की आजादी भी नहीं है? क्या किसी को अपने धर्म के खिलाफ बोलने की इजाजत है यहाँ पर? रातों रात अचानक से नोट बंद कर दिए जाते हैं और देश के हर नागरिक को बैंक के सामने लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। फिर पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाओ, आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करवाओ, और क्या बचा है? अब बोलेंगे अपने अंडरवियर को रस्सी से लिंक करवाओ। ऐसा था हमारा देश क्या? ये सब तो छोड़िए, अगर फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाओ तो नेशनल एंथम पर उठकर गाना गाना पड़ता है। लेकिन जो खड़ा नहीं हो पाता उसका क्या? क्या हमारी अदालतें, सरकार और विधायिका में सुधार नहीं होने चाहिए? कितने ऐसे मंत्री हैं जिनको ठीक से नेशनल एंथम याद होगा? ये सारे हमारे देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। और एक काम कीजिए, जितने सच बोलते सबको जेल में डाल दो। सरकार जब तक मुझे न्याय नहीं दे देती तब तक मैं कानून तोड़ता ही रहूंगा। अब यहाँ से आगे मैं विरोध करूंगा, लेकिन शांति से। अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हें हम जेल की हवा भेजा क्या? उसने क्या गलत काम किया? जॉय के सवालों का जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी। मेरे ख्याल से उसे जेल में ही रहने दो, तब जाकर उसकी समझ में आएगा। मैंने जिंदगी में ऐसी मूर्ख सरकार कभी नहीं देखी। सबसे पहले मीडिया वालों को समझना चाहिए। प्लीज जॉय को न्याय दिलाने के लिए हमारा साथ दीजिए। हम सब जॉय थोकलकरण ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। मैं जब अपने गांव त्रिशूर में था तब से जॉय को जानता हूँ। बहुत जिद्दी है, मुझे तो लगता है ये विपक्ष की चाल है। मेरे ख्याल से इसे इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल मीडिया में ये न्यूज और हमारा नाम नहीं आएगा। त्रिशूर से हमारी जीत पक्की है। हम जीत नहीं पाए तो हमारी सरकार गिर जाएगी, नई सरकार आ जाएगी। न्यूज नेशनल मीडिया में न भी आए तो क्या, सोशल मीडिया में तो वायरल है, यूथ भी उसके साथ है। आजकल के नौजवान अखबार पढ़ते ही कहाँ हैं?
सभी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, उसी पर रिएक्ट करते हैं। सब अकल से पैदल है। सर मुझे पता चला है कि वो 3-4 हफ्ते बाद फिर लाइव आएगा। चुनाव के प्रचार खत्म होने में 10 दिन बचे हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। सीएम साहब का योगा का समय हो गया है। हाँ ओके सर। वो जेल से बाहर निकलेगा तो अपोजिशन इसका स्वागत करेगा और इलेक्शन में नुकसान हमारा होगा। अगर वो जेल में ही रहा तो बात बिगड़ जाएगी। उसने सीधे सीएम से सवाल किया है, जवाब तो देना ही होगा। केरल में हर 5 साल बाद सरकार क्यों बदल जाती है जानते हो? नहीं। सत्ताधारी पार्टी ने पहले जो गलती की उन्हें हम नहीं दोहरा सकते हैं। ओके। अखबार में हम जो समाचार छपवाएंगे वही जनता देखेगी, पढ़ेगी और सोचेगी। अखबार में वही छपे जो हमारे लिए फायदेमंद हो। लेकिन जॉय ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं है, उसे हम प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जानता हूँ जॉय था कुलकर्ण। लेट्स गिव हिम एन ऑफर, ही कांट रिफ्यूज। बॉस, बॉस, मुझे बहुत खुशी हो रही है बॉस। अंदर चलेगा, एक सीट खाली अंदर। ये आम आदमी की जीत है, आम आदमी की। ये क्या करे, पागल हो गया क्या? मिस्टर जॉय थाकुलकरण, सी दिस। सीएम शक्ति राज शेखर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जॉय थाकुलकरण की बातों को मैंने ध्यान से सुना। आंदोलन करने की उसे अब कोई जरूरत नहीं है। जॉय ने दरअसल हमारी सरकार की आलोचना की है, तो ये सरकार जॉय को एक मौका देगी, एक ऐसा मौका जो आज तक हमारे देश में कभी किसी को नहीं मिला। जॉय की समस्या मैं समझ रहा हूँ और जॉय को भी अब हमारी समस्या को समझना होगा। 24 घंटे का सीएम, पहले दिन के सुबह 10 बजे से अगले दिन के सुबह 10 बजे तक जॉय मुख्यमंत्री रहेगा। जॉय जो भी निर्णय लेगा सरकार उसी निर्णय पर काम करेगी। ये सरकार जॉय जैसे साधारण इंसान के लिए ही बनी है। और एक बार जब क्या हुआ, इंटरनेट नहीं है क्या? हाँ, डेटा पैक रिन्यू नहीं करवाया, 1 GB खत्म हो गया। मैं सुबह से यूज कर रहा था ना। अच्छा सुनो, हमारा सीएम शक्ति राज शेखर पहले भी मूर्खता कर चुका है, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आपको बात समझ में आ रही है ना? एक दिन के लिए और मुख्यमंत्री बन जाओ, ये तो फिल्म के जैसा। अबे चुप कर, सीएम इतना बड़ा मूर्ख नहीं होता। वो तुम्हें 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो गया है, ये तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है। कैसा मौका वकील? हमें सस्ती लोकप्रियता मिल जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा, समस्या का समाधान होगा? हमारा सीएम शक्ति राज शेखर मुफ्त में ऐसा प्रस्ताव देने वाला नहीं है। सीएम ने तुम्हें जेल से बाहर क्यों निकलवाया जानते हो? क्योंकि वो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था। ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है, ये बात सब जानते हैं कि वो काफी सालों तक विधायक रहा और सालों साल सांसद रहने के बाद वो सीएम की कुर्सी तक पहुंचा। वो सिर्फ कुर्सी बचा रहा है अपनी। वो जैसा चाहता है हम करेंगे, लेकिन उसके साथ एक खेल खेलेंगे, देखना चाहोगे? कैसा खेल? वो भी बाहें फैला कर। मैं सीएम का इंतजार कर रहा हूँ। सब शांति से खड़े रहो। अरे सब लोग एक साथ चिल्लाओ। अरे सुनो भाई, ये सब यहाँ क्यों, किसी की शादी है क्या? बॉस ने तुमसे जितने पैसे लिए सब लौटा देंगे, गलती से भी बॉस को छूना मत। चलो जाओ यहाँ से। अरे अभय, ये लोग बॉस से मदद मांगने आए हैं। हाँ बॉस, ये आपसे मदद मांगने आए हैं। क्या मदद करूँ? हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा है, कॉर्पोरेशन वाले हमारी बात नहीं सुन रहे। प्लीज सीएम साहब से कहकर हमारी समस्या का समाधान करवा दीजिए। सीएम प्लम्बर है क्या? शहर के पास ही मेरी दुकान है, उसे तोड़ दिया गया है। देखो अगर रोड चौड़ी होगी तो दुकान तो तोड़नी पड़ेगी ना। लेकिन अगर सीएम साहब चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, आप बात कीजिए ना जॉय भाई। मैं विकास के काम में सहयोग करूंगा। पता है हमारे राज्य में दिक्कत क्या है? रोड सब बनवाना चाहते मगर कोई 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है। गैस सबको चाहिए लेकिन गैस प्लांट के लिए जमीन कोई नहीं देना चाहता। बिजली सबको चाहिए मगर वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मोटर नहीं, ट्रांसफार्मर, उसे कोई सेट नहीं करने देगा। फिर हमारे राज्य की उन्नति कैसे होगी? मंत्री को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला। तुम क्या कहते हो वकील? बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरे अंकल, आप बिना दाढ़ी के येसुदास की तरह लग रहे हैं। अरे कहाँ रहते हो जॉय, आजकल दिखाई ही नहीं देते। इतने नजदीक होने के बाद भी वो मुझे नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग तो यहीं रहते हैं अंकल, लगता है आप हमें भूल ही गए थे। पता है मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया? मैं पापा के एनिवर्सरी पर अनाथालय में बच्चों को खाना खिलाने के लिए तुमसे बात करना चाह रहा था। बताओ कैसा रहेगा?
बहुत अच्छा, आप जो देंगे वही आपको मिलेगा, बाइबल में लिखा है। आज शाम को तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कोई खास प्लान तो नहीं है ना? आप जो प्लान करेंगे मैं उसमें आपका साथ दूंगा। तो आओ मेरे साथ, जरा एक मिनट दो मुझे। शाम को 5 बजे तुम मुझसे मिलो पार्टी ऑफिस में, मैं इंतजार करूंगा। वो किस लिए? कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें फायदा होगा, नहीं तो मैं यहाँ क्यों आता? मैं समझ गया, दादाजी की एनिवर्सरी और उसी का सेलिब्रेशन करना, इसीलिए ना? वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे भी कुछ जरूरी बात है जॉय। आज की मीटिंग के बाद आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लाओ, और किसी को पेपर देना बाकी है क्या? हाँ तो जॉय, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहता हूँ, ठीक रहेगा ना? हमें सीधा पॉइंट पर आना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। कहीं तुम्हारे मोबाइल का कैमरा तो ऑन नहीं है ना? टाइम खराब चल रहा है इसलिए कह रहा हूँ। ये लीजिए, इसमें 2 सिम है और मैंने दोनों का बिल नहीं भरा है। अरे तो हम भर देंगे ना, आखिर हम किस लिए हैं? सीएम का जो मुख्यमंत्री बनाने का तुम्हें ऑफर है, हम चाहते हैं कि उससे हमारी पार्टी को कुछ फायदा हो। मैं समझा नहीं, कैसे? भाई जॉय, तुम तो 24 घंटे के सीएम बनने वाले ही हो ना, और उस बीच में तुम्हारी मीडिया में धूम मची होगी, है कि नहीं? उस दिन के होगे तुम सुपरस्टार, जो बोलोगे सब न्यूज में आएगा। बस तुम किसी भी तरह शक्ति राजशेखर की छवि खराब कर दो। अगर ऐसा हुआ तो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही आसानी से इलेक्शन जीत जाओगे, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अरे वो चुनाव हार जाएंगे तो फिर हमारी सरकार पावर में आ जाएगी, उसके बाद तुम्हारे कॉरपोरेशन और KSRTC के केस खत्म करवा देंगे। इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा और मैं बहुत जल्द ही जेल जाने वाला हूँ, ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। अरे तो तुम ही बताओ ना जॉय, तुम क्या चाहते हो? सीएम की कुर्सी अपने आप खत्म हो जाएगी, लोगों को पूरी सच्चाई बता दो बस। अब मैं अपनी समस्या कैसे बताऊं? अगर मेरे पास 10 लाख होते तो मैं इस मामले को सेटल करा देता। हम देने को तैयार हैं। सच ना? हाँ। ये रहे 2 लाख एडवांस, बाकी पैसे काम हो जाने के बाद। ये चुनाव जीतने के लिए ऊपर से हम पर बहुत ज्यादा दबाव है, और हम जानते हैं कि अगर तुमने हमें सपोर्ट किया तो हम आसानी से जीत जाएंगे। मुझे फोर्स के बिना तुम मुझसे कुछ नहीं करा सकते हो। तो ये रख लो, बाकी का मत भूल जाना। बस। अरे, अरे ये गाय कहाँ से आ गई? ये क्या अब है? वो अपना हरि नारायण है ना, उसकी हथनी को पीरियड है, हमें उसका पेशाब लाना कि नहीं? पहले तुम सुमेश के हाथी को तो पेशाब करवाओ या सिर्फ बात ही करते रहोगे? अभी इसका मूड नहीं लग रहा है। ए, हेल्प तो कर। टोल चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो मोबाइल का दाम घट जाएगा क्या? अच्छा ये बात है। वकील पकड़ जा रहे, कल ही मैंने उससे कहा था कि मैं 6 महीने की तनख्वाह देने वाला हूँ, मैं तेरा टकला फोड़ दूंगा। अब है वहाँ पर देख कितनी मेहनत कर रहा है, और तू यहाँ बैठा एंग्री बर्ड्स खेल रहा है। अरे ये एंग्री बर्ड्स थोड़े ना है। फिर अरे मैं तुम्हारे लिए सीएम की स्पीच का रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, कह रहा है अगर विपक्षी पार्टी तुम्हें बड़ी रकम दे तो आश्चर्य मत करना, हमें ऐसा करना चाहिए क्या? एक बात को, मैं तुम्हें साइकिल से टक्कर मारने की बजाय BMW से मार देता तो अच्छा होता। खैर ये छोड़ो सब, प्रोडक्शन हम कल से शुरू करेंगे, लेकिन इसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। लेकिन उससे क्या होगा बॉस, मार्केट में दुकान वालों ने पानी लेने से मना कर दिया है। उन्हें प्रचार के लिए 10 करोड़ चाहिए ना, हम लोग प्रचार में 50 करोड़ लगाएंगे। देख ले रहा हूँ, तुम लोग अभी फ्री हो ना, तो जाकर अपना काम करो। जो भी डिसीजन आएगा सबके हित में होगा। मीटिंग के दौरान अगर आप अपना फोन दाएं हाथ में रख लेंगे तो स्टाफ समझेगा कि आप हम लोगों से खुश हैं, और अगर आपने अपना फोन टेबल पर रख दिया तो समझेंगे आप खुश नहीं हैं और मीटिंग खत्म कर देंगे। ये प्लान ठीक रहेगा ना? डन, फोन मैंने टेबल पर रख दिया, मीटिंग खत्म। ये सब बस अफवाहें हैं। ये एक राजनेता है, ऐसा आदमी जो राजनीति की हर चाल जानता है। वर्मा सर, इंफोसिस के साथ भी ऐसे ही मामला हुआ था ना, नारायण मूर्ति ने क्या किया था, उन्होंने सारे शेयर खरीद लिए थे और उसके बाद वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई थी। रिस्क लेने पर ही सफलता मिलती है, इसीलिए मैं भी कंप्यूटर सीख रहा हूँ। वो किस लिए? अरे व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल आजकल यही चल रहा है ना, और सारा का सारा हिसाब आजकल कंप्यूटर पे ही होता है, उसे सीख के आपकी मदद करूंगा। अच्छा, ध्यान रखना कोई मुसीबत ना होने पाए, इसके आगे मैं देखिए प्रॉब्लम। बॉस, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आई हुई है। तुमने घूस लिया था कहीं, ये बात मुख्यमंत्री को पता तो नहीं चल गई? क्या किया है भाई तुमने? जो है ये सब यहाँ नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं टेंशन लेना नहीं चाहता, तुम छोड़ दो, मैं किसी और को भेज दूंगा। अरे आप इतने परेशान क्यों हो रहे? याद है ना हमारा 11 महीने का एग्रीमेंट है, किराया भी दे दिया मैंने उसका, आप टेंशन मत लो। पुलिस स्टेशन तो अब मेरा दूसरा घर बन गया,
अगर आप दूसरे घर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा जॉय भाई? हाँ, क्या होगा? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अब पहले वाली बात नहीं है। मीडिया और पब्लिक हमारे सपोर्ट में है, तो एक काम कर, वकील को थाने आने के लिए कह दे। ठीक है। किसी और को ये जमीन बेचने के बारे में सोचना भी मत, सिर्फ मैं ही खरीदूंगा इसे। पुण्यालन वाटर बन के रहेगा, 100% श्योर। आप मेरे ठीक पीछे जॉय ठाकुरकरण के समर्थकों को देख सकते हैं। अब सीएम जॉय ठाकुरकरण की मांगों को पुलिस ऐसा क्यों कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जॉय को किस लिए गिरफ्तार किया गया है। अरे, हमारे बॉस को गिरफ्तार क्यों किया गया? बॉस निर्दोष है, तुम उसे छोड़ दो। अरे परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं होगा, वो सही है। अरे उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसे तो सीएम का आमंत्रण देने के लिए बुलाया गया है यहाँ पर। सर बताइए हमारे सवाल का जवाब। सुनिए सर, चुनाव प्रचार के लिए कल सीएम यहाँ त्रिशूर आने वाले हैं, उसके बाद सीएम कल जॉय के साथ 24 घंटे रहेंगे। जॉय प्लीज आइए, हटिए हटिए, रास्ता छोड़िए, हटिए प्लीज प्लीज। मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ, सीएम से मीटिंग होने के बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। अभय भैया, सबको अपना पुण्यालन वाटर पिलाओ जरा, आप सब लोग थक गए होंगे, मेरा पानी आपको ऊर्जा देगा। जॉय जी, देर हो रही है, आप लोग पियो, मैं चलता हूँ। जॉय जब मुजरिम था तो उसे इसी रास्ते से ले जाया गया था, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जॉय के दिमाग में क्या चल रहा है। कांचा टीवी के लिए कैमरामैन गुणशेखर के साथ गोल्डा। गेस्ट हाउस रूम देखने में कैसा था जॉय भाई? ठीक था, मुश्किल से 2 स्टार मिल सकते हैं। अरे कोई बात नहीं, सीएम के साथ बैठ तो गए, पूरन पार्क से सीएम तक पहुंच गए, आगे आगे देखेंगे कहां पहुंचेंगे। अरे कहां, सीएम के कुर्सी तक। ये जो प्रोग्रेस है ना, बहुत तेज हो रही है। बिल्कुल, बहुत ऊपर तक जाओगे, देखते रहना। ऊपर तक जाऊंगा मतलब क्या, मैं मर जाऊंगा? एक मिनट रुक, किसी इडियट का फोन है। हाँ, अभय का है। आजकल वो भी वीडियो कॉलिंग कर रहा है। हाँ अभय बोल। खुश तो हो ना भाई, हम लोग तो यहाँ बहुत खुश है। अरे हाँ बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बता कि जैकी क्या कर रहा है, वो ठीक से तो है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहा था? बस अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम 50 करोड़ के प्रचार के बारे में क्या बोल रहे थे। तुम्हें पता है हमारे पुण्यालन वाटर को टीवी न्यूज में कितनी बार दिखाया जा रहा है? ले इधर शीनू से भी बात कर ले। हाँ बोल। अब तो यहाँ भी लोग पुण्यालन वाटर के बारे में बात करने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब है कल का इंतजार करो। वैसे प्लान ठीक से तो चल रहा है ना जॉय भाई? सब ठीक चल रहा है ना बॉस? अरे हाँ सब एकदम ठीक है। हाँ चलो ये तो अच्छा। 15 चैनलों पर 24 घंटे में अगर वो लोग 10 सेकंड के लिए भी दिखा देंगे तो 50 करोड़ के बराबर नहीं हो जाएगा? अभी तक तुम सीएम से मिले नहीं क्या? अभी तक तो नहीं मिला हूँ, लगता है वो अभी मीटिंग में है। कल 10 बजे से हमारा समय शुरू होने वाला है। तब तक तो मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके जॉय भाई, मैं कल तुम्हें बार बार फोन करूँगा। अरे उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। उफ। अरे हम लोग खुद वहाँ कल सीएम के पहुँचने से पहले प्रोग्राम में पहुँच जाएंगे। ओके जॉय भाई। हाँ मैं भी वहाँ आ जाऊँ क्या? अच्छा मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है, फोन रखो जल्दी से। कोई इतना सुबह सुबह कैसे खा सकता है? शुरू करो जॉय। काफी समय बाद मैं नाश्ता कर रहा हूँ। सुपर है। त्रिशूर से मेरा पुराना रिश्ता है, तुम्हें पता है? मुझे पता है, है? बहुत समय पहले आप यहाँ चित्रकला सीखने आए थे ना, और कोर्स खत्म किए बिना आप ट्रेड यूनियन में शामिल हो गए थे, है ना? बहुत स्मार्ट हो तुम जॉय। अच्छा अगर मैं कोर्स खत्म कर लेता तो मैं कहीं किसी स्कूल में टीचर होता और आराम की जिंदगी जी रहा होता। अरे वो कैसे हो पाता, आप 20 साल पहले रिटायर होकर घर में बैठे होते, लेकिन इसमें तो रिटायर जैसी कोई बात ही नहीं है। उम्र तो हमारे दिमाग में होता है जॉय। हाँ सही बोले। आज का क्या प्रोग्राम है करण? सर आज सुबह 10 बजे स्कूल जाकर पैड बांटना है, उसके बाद दूसरे स्कूल जाना है, याद है ना वो लड़की, उसके घर भी जाना है सर। 3 बजे डिस्पोजल स्कीम का उद्घाटन करना है, 4 बजे वाईफाई बस का उद्घाटन करना है। आप उद्घाटन करने में ही अपना ज्यादा समय बर्बाद करते हैं ना? सीएम साहब से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तो बस मजाक कर रहा था करण भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? कुल कितने प्रोग्राम है? कुल 12 है, रात को ऑनलाइन डिस्कशन भी है वो फॉरेन टीम के साथ। रात वाला प्रोग्राम कैंसिल कर दूं क्या? नहीं तो आपको सोने में सुबह के 4 बज जाएंगे सर। नहीं नहीं, 10,000 नौजवानों की नौकरी का सवाल है। ओ, रोज का यही है, आपकी सेहत का क्या होगा, दिन में 2-3 घंटे से ज्यादा सोते ही नहीं है। इतना करने के बाद भी लोग कंप्लेन करते हैं।
3.5 करोड़ लोगों में सभी से जाकर मिलना और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। यह है कुर्सी का सम्मान। अगर मैं ये बात लोगों से कह दूं तो लोग कंट्रोवर्सी शुरू कर देंगे। क्या इस वक्त हमें कुर्सी की रक्षा नहीं करनी चाहिए? बताओ। हाँ, करनी चाहिए। सिंहासन का मुकुट तो जीसस का गहना है। मैं तो ऐसे ही फेसबुक पर लिखता रहता हूँ। मैंने तो वो सब इसलिए बोल दिया था क्योंकि मेरे दिल को बहुत ठेस लगी थी और कुछ नहीं। ठीक है, बात यह है कि मैं बस लोगों के प्रति अपनी क्या हुआ सीएम साहब? जिम्मेदार। आपकी तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे साहब, ठीक तो है ना आप? क्या क्या, क्या हुआ? मैं सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देता हूँ सर। सब इंतजार कर। अरे सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपके छाती में दर्द हो रहा है। चलो चलो आगे बात करो। जगह आराम से सर, हटो हटो, आराम आने दो, हटो, चलो आराम से सर। मिस्टर जॉय ठाकुरकर, क्या आपको अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि सीएम आपके साथ एक दिन रहकर ही बीमार हो गए हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। ए, ये बात किसने कही? आई एम ग्लैड सन, चीफ रिपोर्टर पुम्बादा टीवी से। हम वैसी चीजें देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं जो किसी को पता नहीं चलती। तो हमें पता है। जब सारे चैनल सीएम के पीछे पड़े हुए हैं उस समय मैं तुम्हारे पास हूँ, समझे? बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बताओ अभी तुम्हें क्या लग रहा है? भूखा महसूस कर रहा हूँ। भूखा महसूस कर रहे हो? हाँ। मिस्टर जॉय ठाकुरकर को भूख लगी है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने इन्हें नाश्ता करने का भी टाइम नहीं दिया। इन्हें सुबह से जानबूझकर भूखा रखा गया, बिल्कुल भूखा, कुछ खाने नहीं दिया। ये न्यूज़ सिर्फ आपके पुम्बादा टीवी पर दिखेगी और आज मैं आपके साथ पूरा दिन जुड़ा रहूंगा, आपका प्यारा रिपोर्टर ग्लैडसन। ऐसा मैंने कब कहा? मैं खिचड़ी खा चुका हूँ। हाँ पता है, लेकिन कोई बात नहीं। कल तुमने मुझे डिस्कशन करते नहीं देखा क्या? मैं अपने काम में बिजी था। वैसे तो सारे लोग मुझसे डरते हैं। वो तो है। इसलिए देखने वाले ना मुझे बहुत पसंद करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत तेज हूँ और इसलिए मैं वकील बनना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात है क्या? मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना। तुम खड़े होकर टाइम पास कर रहे हो, चलो हॉस्पिटल, तुम्हें बुला रहे हैं, बाद में मिलते हैं। नॉनसेंस। नॉनसेंस नहीं ग्लैडसन, कोई दूसरा चैनल बुलाए तो जाना मत। वादा करो। मां कसम। सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं बात, सब ठीक है। प्रोग्राम में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन सर आपकी तबीयत? हाँ भाई। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ माला वाला लेके आऊँ क्या? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं जल्दी से आ जाऊंगा। फोन रखाना तुझे मैंने, कुछ भी बकता रहता है। तो आने में देरी हो गई। मिस्टर जॉय, क्या ये बात बिल्कुल सच है जो हमने सुनी थी कि सीएम के सीने में आपके चलते दर्द होने लगा था? किसने कहा ये? अरे मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बताइए सर। अरे जो जी में आ रहा वो बोलते जा रहे हो भाई। सीएम के साथ आपकी पहली मीटिंग का अनुभव कैसा रहा मिस्टर जॉय? क्या सीएम के साथ समय बिताकर आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। उनकी लाइफ वैसी नहीं है जैसे बाहर से दिखती है। उनकी जिंदगी तो इसीलिए नॉर्मल है सर, बस थोड़ी सी गैस बन गई थी इसीलिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। पिछले 2 दिनों से मैं दरअसल समय से खाना नहीं खा रहा था। करण, जरा न्यूज चैनल लगा दो। हाँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, वो सिर्फ 2 घंटे सोते हैं और खाने के नाम पर वो पूरे दिन में सिर्फ एक बार खिचड़ी खाते हैं। मैं सोचता था कि वो चिकन फ्राई वगैरह खाते होंगे। इस 1 घंटे में ही उनके प्रति मेरा आदर 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। वो बहुत ही ऑनरेबल आदमी है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो इसी हॉस्पिटल में क्यों आए? ये तो बहुत ही महंगा हॉस्पिटल है ना, इसका खर्चा कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है, हम टैक्स देते हैं उसी से आता है। तो आपको क्या लगता है इन्हें कहाँ जाना चाहिए मिस्टर जॉय? सरकारी हॉस्पिटल किस लिए है? सीएम साहब पिछले सप्ताह बोले थे ना कि हमारे हॉस्पिटल में दुनिया भर की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो फिर वो उन वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं ले रहे हैं उस अस्पताल में जाकर? हमने जो टैक्स दिया है उसी पैसे से वो यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं, क्या बात हुई? टैक्स जनता की मेहनत का पैसा है। अब जनता को किसी बुड्ढे को नहीं बल्कि किसी नौजवान को अपना नेता चुनना चाहिए ना। उनकी उम्र तो 77 के पार हो चुकी है, अब सत्ता चलाने की ताकत कहाँ से आएगी? अगर जॉय मंत्री बन जाए तो कैसा रहेगा? ऐसी सरकार से तो अच्छा है। वाह, बहुत ही अच्छा बोल रहा है, जैसा हमने सोचा वैसे ही। मैंने आपसे कहा था ना, ये हमारे बहुत काम का है, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। सरकारी सूत्रों से हमें ये पता चला है कि सीएम अब बहुत ही जल्दी इस हॉस्पिटल से निकलकर त्रिशूर के सरकारी अस्पताल के लिए निकलने वाले हैं, और इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि इसमें जॉय ठाकुरकर की विजय हुई है। पल पल की न्यूज जानने के लिए आप देखते हैं। अच्छा सुन, काम शुरू हो चुका है। पानी के कुछ पैकेट्स लेकर सरकारी अस्पताल में पहुँच जाओ। जॉय, सच कहूँ तो आप जनता के दिल की बात बोल रहे हैं, लेकिन आपको कैसा लग रहा है? पैसा लिया है तो ऐसा काम तो करना ही पड़ेगा। क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या? गोल्डा।
एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ। गोल्ड लो या सिल्वर, प्लीज मुझे प्यार मत कर बेटा, टाइम नहीं है मेरे पास। ये महात्मा जी कौन है? गोल्डा, मुझे तो नहीं लगता कि अपना कोई भी प्लान उस पर काम करेगा। मुझे भी लगता है। गोल्डा हाँ, कांचा टीवी की टीआरपी पुम्बा टीवी के टीआरपी से ज्यादा हो गई तो हमें इग्नोर करने लगी हो क्या? देखो हमें जरा ठीक से प्लान करने दो प्लीज। गोल्डा जितने भी प्लान बनाना चाहती हो ना उतने बना लो, लेकिन आज की टीआरपी में तुम हमसे आगे नहीं निकल पाओगी। इट्स अ चैलेंज, वरना मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बड़ा आया हवाले कर। गोल्डा, गोल्डा ग्लैडसन। जॉय के कहने पर प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़कर सरकारी हॉस्पिटल क्यों आए हैं सर? ये किसने कह दिया? यहाँ इलाज के लिए नहीं, रूटीन चेकअप के लिए आया। मुख्यमंत्री जी, क्या आपको पता है यहाँ 4 दिनों से बिजली नहीं है और इस वजह से इमरजेंसी ऑपरेशंस नहीं हो रहे जिससे पेशेंट्स मर रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? सीएम आप बहुत भाग्यशाली हैं कि पेशेंट आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। और हाँ, पता है ना कि जेल में क्या होता है, वहाँ तो बिजली हमेशा ही रहती है। सरकार को पेशेंट्स को ज्यादा फैसिलिटीज देनी चाहिए या अपराधी को? सर जेल में तो फ्री में भोजन मिलता है। सीएम सर को वहाँ जाना चाहिए और वहाँ का खाना टेस्ट करना चाहिए। जॉय ठाकुरकरण जो कह रहे हैं आप वो करेंगे? ये यहाँ भी वोट मांगने आ गए हैं क्या? पता नहीं, ऐसी बातों पर मैं रिएक्शन नहीं दे रहा क्योंकि सामने जो कैमरा है उसकी मैं इज्जत करता हूँ। अपने चैनल की वैल्यू तुम खुद ही नीचे गिरा रहे हो। कहीं आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? सरकार हर चीजों का अध्ययन कर रही है, सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा। सर रूम रेडी है? नहीं, जरूरत नहीं, ये बेड ही सही है। सरकारी हॉस्पिटल्स देखने के लिए कोई संस्था तो जरूर होगी। यहाँ के बाथरूम्स बहुत ही गंदे हैं सर, क्या इस बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? तुम जिसकी बात कर रहे हो मैं उसी हॉस्पिटल में तो हूँ। लोगों की समस्या का समाधान किए बिना ये सरकार यहाँ से एक इंच भी हिलने वाली नहीं। हाँ कहाँ है तू? आप जहाँ उसके सामने। मैं मुर्दाघर से बाहर निकल रहा हूँ, लगता है वो बहुत ही जल्दी टपकने वाला है। ड्रामा खत्म हो गया तो अपने बेड पे जाकर लेट जाओ, हाथ दर्द करने लगा है। वोट देते वक्त ये बात सोचनी चाहिए थी ना। हाँ कहाँ पहुँचा? जॉय, अरे कौन है? डरो मत, अब बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम लोग शांति से पेशाब भी नहीं करने दोगे? अरे वो बात नहीं जॉय, तुम्हें क्या क्या महसूस हो रहा है वो बताओ। मेरे पूछने का ये मतलब है कि अभी तक तुम्हें सीएम में क्या क्या देखने को मिला है? सीएम साहब ने ये सब देखा ना तो ये देखकर मुझे खुशी हो रही है। अच्छा देखो, अगर सरकार और डॉक्टर करप्ट नहीं होते तो हमारा ये जो सिस्टम है ना ये बहुत ही आला दर्जे का होता। हाँ, सो तो है। हमें सभी करप्ट नेताओं को अगले 5 साल में हटा देना चाहिए और सभी भ्रष्ट नौकरशाहों को अगले 50 सालों में हटा देना चाहिए। बहुत अच्छे जॉय, बहुत अच्छे, बोलते रहो बोलते रहो। सरकारी अस्पताल के आसपास जितने भी बार है ना उनको हटा देना चाहिए। अब तुम ये बताओ कि बार जरूरी है फिर अस्पताल ज्यादा जरूरी है, बताओ। एक्सीलेंट जॉय, और कुछ बोलो ना। बोलो बोलो और क्या बोलो, समझो। हाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। बोलो। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो सीएम के साथ जितनी भी गाड़ियाँ थी उनमें से किसी ने टोल नहीं दिया। हाँ। और उससे भी बढ़कर सारी गाड़ियाँ 120 की स्पीड पे चल रही थी। अच्छा। जबकि हाईवे पर 90 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आई सी। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ कि जो गाड़ियाँ आ रही थी उनको टोल टैक्स देना चाहिए था या नहीं? हमारे देश में जितने राजनीतिक दल है उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता, ये कोई कानून हुआ? कैसा कानून है ये भाई? तो रो क्यों रहा भाई, कोई मर गया क्या? बस जरा सा काम था, सब ओके है ना डॉक्टर? आप एकदम ठीक है सर। ओके। हेलो सर। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? न्यूज़ वहाँ नहीं बाहर है, जल्दी जाओ। हाँ? कवर करो। हे कम ऑन, जल्दी चलो। हाँ, हाँ, चलो 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 चलो। हमारे अस्पतालों में कहीं भी पीने का शुद्ध पानी नहीं है, इसलिए आज मैं सभी रोगियों को अपना ये पुण्यालन वाटर फ्री में बांटने जा रहा हूँ। इसे पीने से ऊर्जा मिलती है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा पानी है। आप लोग इसे एक बार पीकर जरूर देखिए। हाँ मैं आपके पॉइंट पर ही आ रहा हूँ। देखिए आपको ऐसा पानी कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जापान चले जाइए या यूरोपियन कंट्री। भारत का यह 1 वाटर काफी रिसर्च के बाद बना है, ये मेरी कंपनी ने बनाया है। बस 3 पैकेट बचा है, दे दो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमने टीवी पर देखा था। क्या? टीवी पर देखा था हमने। अब टीवी पर देखा तो देखिए दर्शकों, आप लाइव देख सकते हैं कि सीएम का काफिला अभी गर्ल्स स्कूल की तरफ बढ़ रहा है और पुम्बा तक ग्लैडसन उनकी कार का पीछा करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक से चलाओ ना। अरे ये मेरा पसंदीदा गाना है सर, आपको पसंद नहीं तो मैं क्या करूं? एक बात बोलूं, कुछ समय के बाद आपको मेरे बॉस को सैल्यूट करना होगा। सैल्यूट। ऐसे घूर क्यों रहे हो? इसने जो कहा बिल्कुल सही है। मेरे बॉस जो इस वक्त सीएम की गाड़ी में बैठे हैं, थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी में बैठेंगे।
और को जरा भी खरोंच लगी तो मुझे फाइन भरना पड़ेगा। जय एक सेल्फी लेते हैं। हाँ जरूर। कैसा लग रहा है? मैं इसे ट्विटर पर पोस्ट करने जा रहा हूँ। हाँ कीजिए जैसा आप चाहें। तुम मुझे कभी ट्विटर पर दिखाई क्यों नहीं दिए? सर बात यह है कि मुझ जैसे लोग समाज में रहते हैं, ट्विटर में नहीं। ठीक से चलाया करो, ऊंच नीच भी नहीं दिखता। इस रोड पर तो ये छोटे छोटे गड्ढे हैं, अगर आप साइड रोड में जाएंगे तो आपकी कमर ही टूट जाएगी गड्ढों के दचके से। ये PWD CM के अंडर ही काम करता है ना? अगर पिछले साल की बात करूं तो रोड को रिपेयर करने में पूरे 12 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कोई भी जिम्मेदार आदमी ये सब देखकर कैसे चुप रह सकता है? ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम मरें या फिर हम शहीद हो जाएं या फिर कट कर मरें। बहुत खूब, I like that fire। लेकिन अभी जो हो रहा है ना, उसमें तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो क्या? जॉय, तुम्हें चुनौती मैंने इसलिए दी ताकि तुम वो मत बोलो जो तुम्हें सही लगता है, वो बताओ जो हमें करने की जरूरत है। सुना ना? समझ गए ना? ड्राइवर को पीछे पलट कर नहीं देखना चाहिए वरना टक्कर हो सकती है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मेरी अंतरात्मा को ठेस पहुंचे। सॉरी जॉय, तुम्हारे कॉर्पोरेशन केस के बारे में मैं लिखने के लिए सोच रहा था। सच में? उसी तरह से KSRTC केस के बारे में। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें ठेस ना पहुंचे इसलिए। है कोई ठेस नहीं पहुंचती, मैं इसके लिए सहमति दे देता, मुझे प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। CM, देखिए अब से हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा। अरे आपका हाथ इतना नरम है जिससे आपने कभी कुछ काम किया ही नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था। मेंस्ट्रुअल हाइजीन हमारे प्रदेश की बच्चियों और महिलाओं से जुड़ी ये समस्या चुनौती बनी हुई है। वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य में हायर सेकेंडरी छात्राओं के लिए निःशुल्क यानी फ्री में सैनिटरी पैड आवंटन योजना क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, इस बात का हमें भरोसा है। त्रिशूर में, वो भी हमारे स्कूल में, क्या छोटी उम्र में बच्चों के लिए भी सैनिटरी पैड की आवश्यकता है? यहाँ कुछ मत पूछो, बाहर बाहर जाना चाहिए। मिस्टर जॉय, सर को कहिए कि आप सवालों से भाग रहे हैं, प्लीज कुछ तो बोलिए। तो बताइए सर, बताइए। सब लोग आ गए ना? जी सर। बेबी से यहाँ नहीं है क्या? नहीं तो फिर अलग से बोलना पड़ेगा उनको। हाँ, क्या आपको लगता है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद ये योजना सफल हो जाएगी? आपको क्या लगता है? भारत की 355 मिलियन महिलाओं में से केवल 12% इसका उपयोग कर पा रही हैं। केरल के 14 जिलों में और 7000 स्कूलों में 16 लाख छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। मैं कहता हूँ हमें सरकार के ऐसे कार्यक्रमों की सराहना करनी चाहिए। अरे इससे कोई फायदा नहीं। आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? कोई अच्छी बात सुनना ही नहीं चाहता? अच्छा आप सबको कंट्रोवर्सी चाहिए ना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो है भरोसे के लायक नहीं है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। रहने दो, गेंद उसके पाले में है, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे। CM तो बड़ी चाल चल। हाँ क्या सैनिटरी पैड आईपैड जैसा होता है, वो लोग फ्री में बांट रहे हैं। मैं तुझे शाम को समझाऊंगा। तो अभी जाकर पानी का स्टॉक लेकर आप, पूरा मीडिया यहीं पर है, अच्छा कवरेज मिलेगा, जा जल्दी। ठीक है। मैं भी उसके साथ जाऊँ बस। हाँ तू CM की गोद में जाकर बैठ जा, जा सामान ले। क्या तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि हमने विपक्ष से पैसे लिए हैं? तो क्या हुआ, पैसे वापस दे देंगे? तुम्हें पता है CM बता रहे हैं कि वो हमारे सभी केसेस के बारे में लिखेंगे। वकील तू कब आएगा? कोर्ट बंद होने के बाद आ जाऊंगा ना। साइलेंस, फोन तो साइलेंट मोड में है सर। इसका मुंह कब साइलेंट होगा? एकदम जीवित लग रहा है। कुछ नहीं है। मेरे हाथ अब पहले की तरह लचीले नहीं है। ये लो, रखो रखो रखो। आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई सर। सर आप मुझे पहले की तरह राजा नहीं कहेंगे? आज भी अगर कोई मुझे इस नाम से बुलाता है तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए खाना खाते हैं ना। हाँ ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ का खाना अच्छा लगेगा। कैसे अच्छा नहीं लगेगा? अब देखिए, एक समय हुआ करता था जब मैं यहीं आकर खाना खाता था। जाइए आप खाना तैयार कीजिए। अच्छा ठीक है। और आपकी खेती बाड़ी कैसी चल रही है? हाँ सब अच्छा है। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ये पौधे फल देने वाले थे। CM साहब पत्ते पर भोजन करेंगे तो उसके लिए पेड़ काटने की क्या जरूरत है ना माँ? वही तो। चुप रहो तुम लोग। CM साहब के खाने से पहले हमारी टीम चक्कर देखेगी, सिक्योरिटी रीजन। कभी कभी तो मैं चक्कर देखता हूँ। हमारे यहाँ तो ये काम पालतू कुत्तों से करवाया जाता है।
यहाँ खाने में कोई जहर नहीं मिला था। पर जांच करना तो जरूरी है। काट दो, सब बर्बाद कर दो। सीएम खुद उन्हें खिला रहे हैं। प्यार का एक स्पर्श, पुरानी यादें ताजा हो गई। कैप्शन में आप ये लिख सकते हैं। सीएम ने आपको कैप्शन भी दे दिया। आपसे मेरा एक निवेदन है, प्लीज मेरे बेटे के मामले में जल्दी कोई फैसला कीजिए। मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो जीवित है ना। आपके बेटे को क्या हुआ? वो खाड़ी देश में काम करता था, पुलिस ने झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया, तभी से उसकी खबर नहीं मिली। 3 साल हो चुके हैं। मामला केंद्र के पास है, सब ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। काश मरने से पहले हम एक बार उसे देख लेते। उसके लिए खत लिखा है, प्लीज देखिएगा ये उसे मिल जाए। मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। आज मैंने बहुत खा लिया है, आपके हाथ का भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है, रास्ते में झपकी लूंगा। के साथ मगर आखिरी के 5 घंटे एक नए मोड़ पर पहुंच गए। नगर निगम चुनाव में सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं। क्या सत्तारूढ़ पार्टी फिर से जीत पाएगी, हमें कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। राइट नाउ जॉय थाकुलकरण देश की आवाज बन चुके हैं। जॉय थाकुलकरण पूरे प्रदेश के दिल की बात कर रहे हैं। जॉय बहुत ब्रिलियंट है। अगर वो हमेशा हमारे लिए ही बोलता तो मीडिया और लोगों को उस पर शक नहीं हो जाता। बिल्कुल सही समय पर उसने ट्रैक बदल दिया। क्या जॉय थाकुलकरण ने जो कहा था वो सही नहीं था? क्योंकि सांसद के बेटे की सीधी भागीदारी है, इसलिए मामले को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। देखते हैं मासूम लड़की और परिवार के कुछ भी बोले जा रहे हैं, बंद कर दें सर। जरा मैं फोन पर बात कर लेता हूँ। जॉय भाई, अब तो ये खबर फैल गई है। क्या खबर? तूने किसी को गर्भवती कर दिया? मैंने कहा था ना ऐसा मत करना। ओ जॉय भाई, मतलब हमारा प्लान सक्सेस हो गया है। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, अभी मैं सीएम के साथ हूँ। अब जॉय भाई प्लीज जरा सीएम को फोन दीजिए ना, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। पागल हो गया तू? मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, फोन रख अभी। जॉय भाई प्लीज, जॉय भाई उनको फोन दीजिए ना, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अरे मैंने कहा ना फोन रख, बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। भाई प्लीज, जॉय भाई क्या कर रहे हो? मेरा दोस्त है शीनू, अभी दुबई में है। सर नमस्कार, सर मैं हूँ शीनू। सर आपसे एक अनुरोध करता हूँ और यही मेरी कामना है। सर बोलो। सर क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? जरूर ले सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मोर पंख की तरह मैं इस सेल्फी को बचा कर रखूंगा, और जब मैं घर आऊंगा ना तो आपसे जरूर मिलूंगा। क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हैं? मैं फोन नहीं करूंगा सर। मुझे दीजिए सर। थैंक यू सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। चल रहा, कभी बहुत हो गया, थोड़ा पागल है सर। सो सॉरी सर, मैंने वहाँ जो बोला वैसा बोलने का मेरा कोई प्लान नहीं था। जब मैं कुछ देख लेता हूँ तो खुद को बोलने से रोक नहीं पाता हूँ, पुण्यालन की कसम। किसी ने सही कहा है कि मुंह से निकला शब्द वापस लिया नहीं जा सकता। सॉरी, तुम्हें पहले बताया था ना, परेशानी में फंसोगे तब तुम समझ पाओगे। मैं समझ सकता हूँ। प्लीज आप उन शर्तों को मत बदलना जिन पर हमने पहले बात की थी। अरे नहीं, ये सब कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही सुना था। जरा कोई पुराना सा गाना बजाओ अच्छे से। सर आपको पुराने गाने पसंद तो है ना? पता है मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे भी। हाँ। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। क्या हो रहा है? तो फिर टोल टैक्स तो एक तरह की जबरन वसूली है ना सीएम? दादागिरी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। लोगों को सड़क चाहिए लेकिन टैक्स नहीं देना, इसमें आप क्या कर सकते हैं? सर इस उद्घाटन का उद्देश्य क्या है? रिबन और दीपक तैयार है उद्घाटन के लिए। जब इस तरह का कार्यक्रम रखा जाए तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उद्घाटन के लिए कोई दीपक जलाना या रिबन काटना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। शहर की दुर्गंध, लाओ मुझे दो ये। बस बस। देखकर आ, मर जाएगा, इंश्योरेंस भी नहीं हुआ है। ताली बजाओ, ताली एक मिनट, यहाँ जितने मीडिया वाले हैं और हमारे जॉय साहब,
आगे आइए आप, आइए। हमारे प्रदेश को कचरा मुक्त करना है तो सबकी भागीदारी जरूरी है। सब लोग आ गए। मैं अपनी भागीदारी के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी खुद कचरा बन गई है। हटना जरा, हाँ ये पकड़, हाँ ठीक है। अब है ये बता, ये सारा कचरा अपनी गाड़ी में लोड कर लें क्या? तो मैं गाड़ी लेकर आऊँ क्या? हाँ हाँ वही ठीक रहेगा, पहले से इकट्ठा कर लेता हूँ। पहले इसको एक तरफ करना होगा। हेलो जॉय। हाँ चंद्रकांत सर, मैं आपको बाद में फोन करूँ क्या? अभी मैं कचरा हटाओ अभियान में हूँ। सुनो जॉय, एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ, कोई परेशानी? तुम्हें जो लोन दिया गया था उस सिलसिले में हेड ऑफिस से नोटिस आया है। साधारणतः ऐसा होता तो नहीं है, पर तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? कभी कभी ऐसे मामलों में पूरा पैसा लौटाने के लिए कहा जाता है। जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। हे, इतनी जल्दी कैसे लौटा सकता हूँ? फैक्ट्री खोलने में सारा पैसा खर्च हो गया। मुझे पता है जॉय, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। क्या हुआ बॉस? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जॉय, तो कहाँ था वकील? सुन, बैंक मैनेजर का फोन आया था, कह रहा था कोई समस्या हो गई। वो कुछ नहीं, हमारी फैक्ट्री में उससे बड़ी समस्या हो गई। खाद्य और सुरक्षा विभाग ने हमारी कंपनी को लॉक करके सील कर दिया। कंपनी सील कर दी, मगर क्यों? अरे धीरे बोलना यार, वरना और बड़ी समस्या हो जाएगी। हमें प्रोडक्ट को लैब में ले जाकर फिर से वेरीफाई करवाना होगा। अरे वो फिर से वेरीफाई क्यों करना चाहते, ये कोई बात हुई क्या? अरे उसके बाद ही कंपनी खोल पाओगे। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? कचरा साफ करना हमारे सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में हो रही धोखाधड़ी को पहचानने की जरूरत है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ये सरकार आपसे वादा करती है। वकील, तू जरा फैक्ट्री में जा, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम हमारी सरकार शुरू करेगी। तो आपके कहने का ये मतलब था कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना है ना? तुम विश्वसनीय नहीं हो जॉय। तुमने अभी तक बस इतनी ही देर सफर किया मेरे साथ, लेकिन तुम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगे हो। तुम भूल गए कि तुम सिर्फ एक कीड़ा हो। मैं एक कीड़ा हूं ना सीएम, लेकिन ये कीड़ा जब बड़ा हो जाता है ना तो आदमी को नष्ट कर देता है। आपकी ये व्यंगात्मक हंसी यहाँ के हर साधारण आदमी पर एक कटाक्ष है। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, ऊपर आसमान और नीचे धरती बस। मैं आपको दिखाऊंगा एक आम आदमी की ताकत क्या होती है सीएम। यू जस्ट वेट एंड सी। सीएम राजशेखर की जय। सीएम राजशेखर की जय। इस वाईफाई बस स्टॉप का आइडिया सबसे पहले हमारी विधायक उम्मीदवार उषा द्वारा दिया गया था। इसकी क्या आवश्यकता है सर? देखो, वाइफ बिना रह सकते हैं, लेकिन वाईफाई बिना आजकल कोई भी नहीं रह सकता। सर मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। Okay. पूरे त्रिशूर जिले को वाईफाई हॉटस्पॉट बना देना मेरा सपना है। चुनाव जीतने के बाद ये भी कर देंगे। उषा देवी, तुम्हें ये काम शुरू करने का अवसर जरूर मिलेगा। कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर जॉय, कार्यक्रम तो यहाँ हो रहा है, मगर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तंग आ गया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, आपका क्या मतलब है? यहाँ पर फ्री वाईफाई बस स्टॉप तो बन गया, लेकिन यात्रियों के लिए शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। इसकी जरूरत है कि नहीं? आप बताओ ये कैसा विकास है? ये तो दिखावा है बस। सरकार मुफ्त वाईफाई देकर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। देखो, वे पहले ही लिख चुके हैं कि ये शक्ति राजशेखर दान कर रहे हैं। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उनके पैसों से बनाए क्या? ये हमारे पैसों से बनाए। बताइए कितने में बनाए? पूरे 25 लाख। इसमें तो अपना घर बनवा सकते हैं हम। इसीलिए मैंने कहा कि ये केवल एक फरेब है, और जब से मैंने सच बोलना शुरू किया तब से मैं बुरी तरह से मुश्किल में आ गया। इसका मतलब आप लोग खुश नहीं हो? उन्होंने मेरी कंपनी को खाद्य विभाग द्वारा सील करवा दिया है। बंद करने की फिराक में है वो, और ऐसा करने की पूरी शक्ति है उनके पास। पता है मेरे पास भारत की सबसे अच्छी लैब है, और मेरी कंपनी के उत्पाद को इस वर्ष का सबसे अच्छा उत्पाद घोषित किया गया था। समझिए आप लोग, मैंने इनके साथ अब तक जो 5-6 घंटे बिताया ना, उनसे मैं तंग आ गया हूँ। बाकी के बच्चे 10-15 घंटे मुझे नहीं चाहिए, मैं सरेंडर करता हूँ। वाकई मुझे बहुत खेद हो रहा है। आप लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? सीएम सर, क्या हम रिबन काटे? लेकिन बिना मीडिया के कैसे काटे? लो ये है बाकी के 8 लाख। हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हुए।
क्या गेम खेला तुमने। अब ये चुनाव और शासन हमारे कब्जे में आ गया है, तुम्हें इसका लाभ जरूर मिलेगा जॉय। खाद्य विभाग कंपनी को बंद कर चुका है, अब इससे क्या फायदा। वकील, हाँ? हम लोग लोन का एक हिस्सा तो चुका पाएंगे या नहीं? अरे अभी पी और सोने जाओ जॉय। अरे जॉय, अभी इतनी जल्दी सोने मत जाना। सुनो, आज रात को न्यूज चैनल्स पर लाइव प्रोग्राम होने वाला है, उनमें कई जगह पर तुम स्पेशल गेस्ट हो, तुम्हें वहाँ पर रहना है जॉय। काफी लोग आने वाले हैं, अब जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, आज रात पूरी तरह से उसका राजनीतिक करियर बर्बाद कर देंगे। मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है इसकी, इसलिए इतनी जल्दी पैसा मुझे देने आए हैं। ये बात थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था। ऐसी बात नहीं है जॉय। खैर, उन्हें आने के लिए कह दो मैं सीएम को बर्बाद करना चाहता हूं। और तुम ये कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। के बाद हमें 300 से 400 करोड़ का नुकसान होता है। उस नुकसान की भरपाई के लिए सीएम ऐसा कानून बना सकते हैं कि उनकी पार्टी फंड से पैसे का भुगतान हो जाए। बना सकते क्या? व्हाट एन इवेंटफुल डे, है ना? उससे क्या फायदा, जनता सब कुछ बहुत जल्दी भूल जाती है। ये कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो यार, अब तुम स्टार बन गए हो। आज की बहस के बाद अब पुण्यालैंड वाटर एक ब्रांड बनकर उभरेगा। जितना हमें चाहिए था ना, उससे ज्यादा प्रचार हो चुका है। डियर जॉय, पूरा स्टेट अब सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। फेसबुक पर चेक तो करो, सीएम की छवि कितनी खराब हो गई है। राजनीति का चाणक्य समझने वाले को तुमने बर्बाद कर दिया। सीएम का फेसबुक पर लाइव वीडियो आया है, 10 मिनट पहले अपलोड किया है, ये देख। हा? मुझे यकीन है आज सुबह से जो कुछ भी हुआ है वो आपने देखा होगा। उसमें जॉय ठाकुर करण ने मेरे और मेरी सरकार के बारे में जो प्रचार किए वो पूरी तरह से गलत है। मेरी सरकार ने अब तक जो भी सही काम किया है उनके बारे में गलत बयान दिया। इसीलिए आज 9 बजे से जो शुरू होने वाला था उस चुनाव प्रचार के दौरे को मैंने रद्द कर दिया। अब मैंने ये निर्णय लिया है कि जॉय ठाकुरकरण के साथ सारी मीडिया को ठेकिन कुंडू ग्राउंड में आमंत्रित करूंगा। जॉय ठाकुरकरण के दिमाग में जो भी सवाल होंगे मैं उन सब के जवाब सबके सामने लाइव दूंगा। धन्यवाद। मुझे तो ये कोई चाल लगती है, तुम मत जाना जॉय। नहीं गया तो भगोड़ा समझेंगे और आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। टेंशन बढ़ा दी यार, पता नहीं अब आगे क्या होगा। सोच रहे यार जॉय। आज उन्होंने मुझे फाइनल खेलने के लिए बुलाया है, अगर आज आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं दोबारा आपके दरबार में कभी नहीं आऊंगा। आज आपकी परीक्षा है। जॉय ठाकुरकरण वर्सेस सीएम इज ट्रेंडिंग। तुम तो एक ही दिन में सुपरस्टार बन गए, क्यों? बहुत खुशी हो रही होगी। वैसे इससे मुझे या मेरी सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सबको इकट्ठा किया। तुमने मेरे खिलाफ आखिरी आरोप जो लगाए थे उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने बस स्टॉप में लगवाया वाईफाई और उसके लिए हमारी सरकार ने 25 लाख रुपए खर्च किए, पर तुमने प्रचार किया कि इसमें घोटाला हुआ है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का पूरा अकाउंट सामने है। एक वाईफाई वाला बस स्टॉप तो दिखा दिया कल, और भी बस स्टॉप में वाईफाई लगेंगे, खर्च होगा 25 लाख। और कल तो सिर्फ पहले चरण का उद्घाटन हुआ है। मैंने तो तुम्हें चुनौती दी मगर तुमने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समझने की कोशिश नहीं करते? सीएम राजशेखर की जय। सीएम राजशेखर की जय। सीएम राजशेखर की जय। ठीक है, अगर वो पहला चरण था तो जल्दबाजी में आपको कल उद्घाटन करने की क्या जरूरत थी? आपके दिमाग में चुनाव चल रहा था ना? आप मुझसे लिखवा लीजिए, अगले 5 साल तक बस स्टेशन पर कोई सुधार देखने को नहीं मिलेगा। मैं 100 से ज्यादा उदाहरण त्रिशूर शहर में ही आपको बता दूंगा सीएम साहब। सही, सिर्फ वही बोल रहा है जो मैंने उसे समझाया था। अच्छा, तुम पूर्व धारणा से ग्रसित हो। जॉन्डिस के पेशेंट को हर तरफ पीला ही पीला दिखता है। पिछले 5 सालों में प्रदेश में जो हुआ मेरे कारण हुआ। रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन सब में सुधार हुआ,
जनता से पूछ लो। जनता एक भी शब्द सीएम के खिलाफ कैसे बोल सकती है? आने वाले चुनाव में जनता ही बोलने वाली है। दिस इज डेमोक्रेसी। तो अब तुम्हारे अगले पॉइंट पर आते हैं। लो, तो तुम कह रहे थे कि रेपिस्टों का हमारे सरकार ने कुछ नहीं किया। देखो, सत्ता में जब मेरी सरकार आई तो कितने केस रजिस्टर हुए हैं और पिछली सरकार में जो केस रजिस्टर हुए उनकी तुलना कर लो और रेशियो निकालोगे तो देखोगे कि हमारा प्रदेश सारे देश में सबसे टॉप पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? क्या यहाँ बंगाली मजदूरों और गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? यहाँ पर कितने करोड़पति राजनेता हैं? अरे मेरे बाप! अरे रे 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 रे, जो ये तो बिल्कुल अलग मुद्दा है। तुम ऐसी बात करोगे तो हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। अब अगला मुद्दा जिसकी तुमने बात की थी, प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल मैंने कैसे भरा? सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल की ही बात नहीं है, अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए मैंने आज तक सरकार का एक रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब समय आया है, मैं अब ऐसा सच बताने वाला हूँ जो आज तक मैंने कभी नहीं बताया। मैं अब तक सिर्फ एक रुपया वेतन लेता आया हूँ। राजनीति मेरे लिए व्यवसाय नहीं, जन सेवा है। ये लो फाइल की जांच कर लो। लेकिन मुझे एक शक है सीएम साहब, यहाँ लिखे सारे के सारे खर्चे सीएम साहब ही भरते हैं क्या? फंस गया। आपके पास तो आय का साधन भी नहीं है। तुम्हारे पास बॉस की कोई फोटो है क्या? हाँ, मेरे पास 3-4 फोटो है। क्यों? तुम्हें वहाँ सामने दिख नहीं रहा है? कोई ना कोई उसे गोली मार देगा। इस कागज के अनुसार ही पिछले महीने सीएम साहब का व्यक्तिगत खर्च 3,45,000 रुपए था। इतना पैसा कहाँ से आया? हालांकि मैं गरीबी में पला बढ़ा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे अच्छा कमा लेते हैं। उनकी शादी आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों में की है। बच्चे मेरी मदद कर रहे हैं, ऐसा होना भी चाहिए जॉय। शादी के बाद बच्चों के पास अच्छे पैसे आ गए। इससे पहले वो न्यूयॉर्क और लंदन में पढ़ते थे ना सीएम साहब? तब तो आप बहुत गरीब थे, तो उनको पढ़ाने का पैसा कहाँ से आया? अगर आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे सीएम साहब, लेकिन आपने चाहा ही नहीं। अभी कल की ही तो बात है ना जॉय, इस सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों की तुम प्रशंसा कर रहे थे। क्योंकि आपने रिश्वत देने की पेशकश की थी। There you are. हाँ, मैं ये तो बताना भूल ही गया था, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आपने मुझसे वादा किया था सीएम, आपने कहा था कि मेरे खिलाफ जितने भी मामले हैं उन सबको आप सलटा देंगे। सच कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम थकलकरण। जनता को विश्वास दिलाने के लिए केवल मैंने तुम्हें ये प्रस्ताव दिया था। सामाजिक जिम्मेदारी के बहाने धोखा देकर व्यक्तिगत फायदे के लिए तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो, बस दैट्स योर इंटीग्रिटी। हाँ, इतना ही काफी नहीं है तो ये देखो। लो, ये है बाकी के 8 लाख। हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। अरे ये क्या दिखा रहा है? देखो। अरे कवर कर, आजा आजा। ए ज़ूम करो फोन दे। अरे कोई देख लो इसे। तुम्हें ये फायदा हुआ था ना थकलकरण? अरे बॉस अब क्या करेंगे? मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि हमारी सरकार हर मामले में ट्रांसपेरेंट है, जनता से हम कभी कुछ नहीं छुपा सकते हैं, और मेरी सरकार पुख्ता रूप से कहती है कि ये आदमी चरित्रहीन है। चलो ठीक है, कल इसने हमारा माखोल उड़ाया, लेकिन इन सब की वजह क्या थी? विपक्ष से रिश्वत लेकर ये जनता को बेवकूफ बना रहा था। जब सारे के सारे चैनल 2400 घंटे हमारे आसपास थे तो क्या आपको लगता है कि मैं रिश्वत लेने की मूर्खता करूंगा? एकदम सही। बुद्धि सिर्फ आपके पास है, ऐसा मत सोचिए। ये केवल 8 लाख ही नहीं जो आपने वीडियो में दिखाए, ये रहे विपक्ष द्वारा दिए गए पूरे 10 लाख। मुझे पता था कि आप बोलेंगे, इसीलिए लेकर आया हूं। Oh my God. मुझे अपना बैंक ऋण चुकाने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन गलत पैसा टिकेगा नहीं सीएम, सारा अस्पताल में खर्च हो जाएगा। सच बोल रहा हूँ मैं। ये पैसा हमें कुछ वक्त के लिए लुभा सकता है और कुछ नहीं। मैंने आपके साथ एक दिन बिताया था, इसलिए जानता था आप गंदा खेल खेलेंगे। एक बार पकड़े जाने पर हर चोर ऐसी ही बातें करता है। अपने लोगों को बताने के लिए अब मेरे पास और कुछ नहीं है। अब आने वाले इलेक्शन में आप हमारी सरकार को दोबारा ला सकते हैं या हरा सकते हैं, रिजल्ट चाह रखते हैं। अरे बॉस किस बारे में बात कर रहे हैं?
जो लोग सरकार का विरोध करें वो सीएम के खिलाफ वोट देने के लिए एक रुपया रखेंगे। इट्स अ सोशल एक्सपेरिमेंट। पैसे की जरूरत इंसान से क्या नहीं करवाती बताओ। ये कुर्सी मुझे प्रदेश की जनता ने दी थी, मुझे उस जनता पर पूरा भरोसा है। इस कुर्सी की कीमत जो इस पर बैठता है उससे तय होती है। आप सभी का धन्यवाद। सर उसे भी बुला लूं क्या अपने साथ चलने के लिए? उसे वहीं बैठकर मजाक बनने दो, लोगों को देखने दो। हाँ। सब लोग जा रहे हैं। अनंतपुरम पहुंचते ही कैबिनेट मीटिंग करवाओ। सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टी दोनों पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन जॉय का सामाजिक प्रयोग काम कर गया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक रुपए जॉय भाई हमें तुम पर गर्व है। अगर हमने लोगों को पैसा दिया होता तो यहाँ लोगों की लाइन लग जाती। वो आएंगे, हमारा समाज इतना भी बुरा नहीं है, मुझे यकीन है वो जरूर आएंगे। ये तो वही आदमी है जो हम लोगों को चर्च में मिला था। सर सर बताइए सर, आप जॉय के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? केआरटीसी में मेरी टेम्परेरी सर्विस हुआ करती थी, वहीं काम करते हुए मैंने ये अपना पैर खोया। न्याय और हर्जाने के लिए काफी कोशिश की मैंने। मेरा ये एक रुपया उन सभी सरकारों के खिलाफ जिनकी वजह से मेरी जिंदगी आज ऐसी हो गई है। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि जॉय ने वैसे लोगों से घूस ली है जो इस देश को लूट रहे हैं। नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया। छे, ये भिखारी कहां से आ गया? आके सब बर्बाद कर रहा है सर। अरे वाह, मेरी बेटी की मौत के बाद आज मैं पहली बार घर से बाहर निकली हूँ। ये एक रुपया प्रदेश के उन सभी लड़कियों के लिए हैं जो घर के बाहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। वो सिर्फ हमारा सेवक है, हमने उसे वोट देकर जिताया, हमने उसे वोट दिया ताकि वो हमारा काम करे। सही कहा, नौकरी पर रखने से पहले किसी का बैकग्राउंड जानते हैं नहीं कि वो इस लायक है या नहीं। कहीं वो बीमार तो नहीं है, वो चोर तो नहीं है? लेकिन सीएम बनाने के लिए ऐसा सोचते हैं क्या कि वो चोर है या नहीं? और वो सत्ता में आने के बाद अपने पाँव की धूल समझता है हमें, हमारे लिए कुछ नहीं करता। हमारे राज्य में जो जो कुछ भी होता है उसे सीएम के साथ आप लोग भी भूल जाते हैं। इस इलेक्शन में हम फैसला करेंगे कि वो चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाए। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि यहाँ के राजा हम सब हैं। आपकी वजह से ही आज मैं सफल हो पाया हूं। और तुम्हारी वजह से मैंने कुछ सीखा। अगर सीखा होता तो अमल करते, लेकिन तुम तो अभी भी टेढ़ी है। कुछ नहीं सर, मेरे जीवन का सपना साकार हो गया, अब कोई पछतावा नहीं सर। ये क्या कर रहे तुम? लीजिए सर। तो काटू, सब लोग ताली बजाओ। पुण्यालय भाई, देखा ना तूने, सारी खुशियाँ हमारे पास वापस लौट आई हैं। पर ये बहुत ही मुश्किल था जॉय भाई। मुश्किलें पीछा करती रहेंगी, हमें उसी में खुशी तलाशनी होगी बस। क्या अरे बात सीनू। हाँ वकील भाई, अब तू भी यहाँ आजा यार। अरे आजा, मजा डबल होने वाला है। कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत व्यस्त हूँ। हाँ लेकिन एक साल के अंदर हम पूरे खाड़ी क्षेत्र में पुण्यालन जल लोगों तक पहुँचा ही देंगे, और ये चैलेंज है। क्या बात है, समझे कि नहीं? चेंजेस, यही जीवन है। जानते हो मेरा सपना क्या है? बताना यार क्या है। हम त्रिशूरपुर में ढेर सारे हाथी खरीदेंगे और अपनी कंपनी के सामने उनकी लाइन लगा देंगे। सोच पॉजिटिव हो तो सब मुमकिन है।